अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू ऑडियो नॉवल बुक। और इसके साथ ही मास्टर के मैं अभी तक एपिसोड नहीं अपलोड की, ब्लडी डार्क लव सगा की। एक्चुअली कि हम ना दिया था नॉवल की 150 लव के एपिसोड का एडिट कर रहे थे, रीड कर रहे थे और ऐसा कुछ भी, तो उसमें वक्त चला गया और वो अपलोड हो रही है। ठीक है, नॉवल मेरी जिंदगी बाय बेस्ट नॉवल नावल का रीड आउट करेंगे। आई होप कि आपको नावल पसंद आएगा और साथ पे हमें भी। ठीक है, आप लोगों के साथ ही रीड करते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स से ग्रेज किया करें कि अच्छे नावल लेके आया करें, ऐसा कुछ भी, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि नावल कैसा है। चलें स्टार्ट लेते हैं, और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आयत बेटा, आप ये रायता और सैलेड डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम खाना लेकर आ रहे हैं। जाओ शाबाश। आई जो किचन में चेयर पर बैठी नायला बेगम के सेल पर अपनी फ्रेंड सानिया से बात करी थी, उसकी आवाज़ सुनकर सानिया को खुदा हाफिज कहकर उठ खड़ी हुई। ओके मम्मा जान, मैं ले जाती हूँ, आप दोनों भी जल्दी से आ जाएं। आयत ने दुपट्टा ठीक से सर पर जमाते हुए कहा तो नायला बेगम ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। आयत ने सुमन शाह से ट्रे पकड़ी और बाहर की तरफ भड़की। इस वक्त लाउंज में सिर्फ बीजान और आलम शाह ही मौजूद थे। आयत को आता देख बीजान मुस्कुराई और सोफे से उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ आई। इन्हें उठता देख आलम शाह भी टेबल की तरफ बढ़ा। दोनों ने अपनी कुर्सियाँ संभाल ली। आयत अभी बैठी थी कि अपने क्राइम पार्टनर का ख्याल आया, जिसने इसे सोने से पहले कहा था खाने के वक्त मुझे उठा देना। आई जल्दी से अपनी कुर्सी पीछे करके उठी और ऊपर वाले पोर्शन की तरफ बढ़ गई। अरूश उठो, खाना लग गया है। आई तो अरूश के कमरे में आई और इसे झंझोड़ते हुए बोली, लेकिन मचाल है जो इस मोहतरमा की नींद पर ज़रा बराबर भी असर पड़ा हो। जब काफ़ी देर कोशिश के बाद भी अरूश ना उठी तो आयत ने साइड टेबल से पानी का चेक उठाया और सारा इस पर ढेल दिया। शुक्र है हमारे घर वाले हमारे साथ ऐसा नहीं करते, क्योंकि उठते हम भी नहीं हैं। हाय अल्लाह, आयत कमीनी, मुझे सारा किला कर दिया। अब तुम देखो ज़रा मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वह जो मज़े से ख्वाब देख रही थी, इस अचानक आफताब पर बुखला कर उठी और आयत को घूरते हुए बगैर अपनी हालत देखे इसके पीछे भागी। आयत जल्दी से लाउंज में पहुंची और बीजान को पकड़ लिया। बीजान मुझे अपनी इस चुड़ैल पोती से बचा लें प्लीज़। आयत बीजान में तकरीबन घुसती हुई बोली तो बीजान इसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ देखा, जहाँ अरूज मैडम बगैर दुपट्टे के स्याह शलवार कमीज में मुकम्मल भीगी हुई तेज़ी से आयत की तरफ आ रही थी। बीजान ने इसका हुलिया देखा और फिर बेख्तियार नज़र आलम शाह पर डाली, जो संजीदगी से अपने सेल में गुम था। बीजान आज आप इसकी साइड नहीं लेंगी, आपको पता है मैं सोई हुई थी और इसने सारा पानी का जग मेरे ऊपर डाल दिया, आज ये मुझसे नहीं बच सकती। अरूश ने खूंखार नज़रों से आयत को देखते हुए बीजान को बताया। अच्छा बस अरूश, आप चुपचाप खाना खाओ, ये लड़ाइयाँ तो आप दोनों की हमेशा चलती रहेंगी। सुमन शाह ने अरूश को निपटते हुए कहा और बैठने का इशारा किया तो वो आयत को घूरती हुई बेबसी से एक कुर्सी की सीट कर बैठ गई। अरूश, ये सोने का वक्त है जो आप अब उठ कर आई हैं। आलम शाह ने जो अपने मैनेजर से बात करा था, अब बात करके मोबाइल साइड पर रखा। अरूश को सख्त लहजे में अरूश से मुखातिब हुआ, लेकिन जब नज़र अरूश के वजूद पर गई तो नज़र गुस्से से इसकी रगत तनकी। दुपट्टा गाय है आपका, उसकी खुरकत आवाज़ और अरूश ने एक नज़र सहम कर उस पर डाली और फिर रोनी सूरत बनाकर मदद तलब नज़रों से अपनी मामा को देखा तो उन्होंने इसे उठ जाने का इशारा किया। अरूश बगैर आलम शाह को जवाब दी ऊपर की जानी पड़ गई। बेटा रात को मैंने ही इससे कुछ काम करवाए थे तो देर तक वही करती रही है, इसलिए अब उठी नहीं तो रोज़ाना बच्चियों को जल्दी उठा देती हूँ मैं, और दुपट्टे के बारे में समझा दूंगी उसे, तुम नाराज मत होना, अभी बच्ची है। समन शाह ने बात संभालने की कोशिश की तो आलम ने इसे हिलाया। जी बेहतर, लेकिन आइंदा मैं इन दोनों को दुपट्टे के बगैर ना देखूँ। आप जानती हैं कि लड़कियाँ यूँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और इतनी भी बच्चियाँ नहीं हैं, 20 साल की तो हैं दोनों। इस उम्र में लड़कियाँ पूरे घर संभाल लेती हैं, लेकिन आप लोगों ने इन्हें अभी तक बच्चियाँ ही बनाया हुआ है। आलम शाह ने एक गहरी नज़र आयत पर डालते हुए कहा तो जो आराम से खाना खा रही थी उसकी बात पर नज़रें झुका गई और समन शाह जो इसके बिल्कुल पास ही बैठी थी उनका हाथ सख्ती से थाम लिया तो उन्होंने इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर इसे तसल्ली दी। हाँ बच्चे, मैं भी सोच रही हूँ कि अब इन दोनों को घरदारी सीखनी चाहिए, माशाल्लाह से दोनों जवान हैं अब। सुमन और नायला, अब कल से तुम दोनों इन्हें भी काम पर लगाओ। बीजान ने आलम शाह की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी बहुओं को मुखातिब करते हुए कहा। ओके जी, तो इन दोनों ने भी सर हिलाए और सब खाने की तरफ मतवज्जा हुआ, जबकि आयत खामोशी से उठकर ट्रे में खाना निकालने लगी, क्योंकि जानती थी अब अरूश भूख से तड़प रही होगी लेकिन नीचे नहीं आएगी, और वैसे भी इसे मनाना भी तो था। वो खाने की ट्रे लिए उसके कमरे की तरफ चलती। यह शाह वेली जो कि लाहौर शहर से थोड़ी बाहर वाक़ है, इसमें 6 नफूस क्याम पजीर हैं। साला शाह बीजान के 2 बेटे थे, बीजान का नाम है ठीक है बताया गया इधर। बड़े बेटे अजलान शाह, जिनकी शादी बीजान ने अपनी पसंद से सुमन शाह से की, जो कि एक बहुत अच्छी बीवी और बहू साबित हुई। उन दोनों के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा आलम शाह जो 28 साल का है। आलम शाह ने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपने बाप
चाचा के बिजनेस को संभाला हुआ है और साथ साथ सियासत में भी हिस्सा ले रहा है। बेतहाशा खूबसूरत, हमने पता नहीं कितने लोगों की खूबसूरती को बयान कर दिया ना, कि बस अब किसी की भी खूबसूरती को बयान करें ना, हमें बहुत उकताहट से फील होती है। हेजल ब्राउन आंखें, सफ़ेद रंगत, घने ब्राउन बाल, खड़ी मगरूर नाक और खूबसूरत नाभि, हल्की मूछें, बियर्ड 6 फुट 3 इंच कद, मर्दाना वजाहत का भरपूर शाहकार। ऐसा ना कह दिया करें कि वह सीन था, सिंपली वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। उसके बाद उनकी बेटी अरूज शाह, जो अभी 20 साल की होने ही वाली थी, वो भी बहुत प्यारी सी है, नॉर्मल कदकाठ की छोटी सी लड़की। उसके बाद बीजान के दूसरे बेटे सारम शाह ने अपनी पसंद से शादी नायला बेगम से की, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में आने आते सबके दिल जीत लिए। उन दोनों की बस एक ही बेटी है आयत शाह, जो 20 साल की हो चुकी है, गुलाबी और सफ़ेद रंगत ये हीरोइन है, जिसकी सारी रंगत, अगला पिछला सारा कुछ, उसका नाक कैसा है, उसका लब कैसे, होंठ कैसे, सर कुछ बयान किया जाए ना तो वही हीरोइन है, समझ लें उसका मेन किरदार लाजमी नावल में है, समझ लिया करें। डार्क ब्राउन आंखें, घनी पलके, घनी भुएं, पतली सी नाक और गुलाबी बड़े बड़े होंठ, गोल शफाफ चेहरा, जबकि बाएं गाल पर बढ़ता डिम्पल उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता था। कमर तक आते ब्राउन बाल और नॉर्मल सा कद, ना ज़्यादा मोटी ना पतली। वो बेशक खड़े खड़े किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। उसे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन इन दोनों का कॉलेज ख़त्म होते ही आलम शाह ने मज़ीद पढ़ाई से मना कर दिया था। उसके काफ़ी एहतजाज के बाद भी जब वो ना माना तो वो भी खामोश हो गई। उसकी पैदाइश के कुछ माह बाद असलान शाह और सारम शाह किसी एक्सीडेंट में वफात पा चुके थे। उस वक्त हवेली पर सफ़े क़यामत पिछा था। शाह हवेली से 2 जनाजे उठाए गए तो बीजान अपने जवान बेटों की मौत पर दिल को थाम कर रह गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हिम्मत की और सब कुछ संभाला। जब आलम शाह 22 साल का हुआ और आयत शाह 14 साल की थी, तब बीजान के फैसले पर उन दोनों का निकाह कर दिया था, तभी इसको देख रहा था। और फिर आलम शाह ने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अपनी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया। बीजान को सब बच्चे ही बहुत प्यारे थे, उन्होंने आलम और आयत को इसीलिए जोड़ा था कि आयत हमेशा उनकी नज़रों के सामने रहे। अभी ने बस अरूश की ही फिक्र थी, लेकिन ये तो दस्तूरे दुनिया के बेटियां पराई ही होती हैं, तो वो भी खामोश हो जाती हैं। आज वह दोनों सुबह से बीजान के लेक्चर सुन रही थी, जिन्होंने सुबह 5 बजे मुलाजमा को भेजकर इन्हें उठा दिया। नमाज पढ़ने के बाद बीजान इन दोनों को लोन में ले आई और तब से लेकर अब तक वह इन्हें समझा रही थी कि अच्छी लड़कियां कैसी होती हैं। सारा दिन माँ का हाथ बिठाती हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, सुबह सवेरे उठती हैं, दुपट्टा सर से उतरने ही नहीं देती और पता नहीं क्या क्या। अरूज तो मरने वाली हो रही थी। आखिरकार नाइला शाह और सुमन शाह को लोन में आता देख दोनों ने सुखा सांस लिया। बीजान आप नाश्ते में क्या लेंगी, नाइला शाह ने कहते साथ आयत को देखा, जो मुहतरमा बाल खुले ही छोड़ कर आई बैठी थी। बेशक सर को अच्छे से दाम रखा था, मगर इसके बाल लंबे होने की वजह से दुपट्टे से नीचे तक नजर आते थे, अब भी वो कमर तक खुले पड़े थे। कई दफ़ा आलम शाह से डांट भी सुनी थी उसने कि उसे नहीं पसंद इसका यूं बाल खोल के घूमना। हालांकि घर में सभी औरतें थीं और वह खुद मर्द था भी तो उसका महरम, मगर घर में काफ़ी मर्द मुलाजिम थे इसलिए वह एहतियात रखता था। लेकिन आयत तो उसकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। नायला शाह ने उसकी कुर्सी के पीछे आकर दुपट्टा उतार कर उसे दिया और खुद उसके बालों की चुटियां बनाने लगी। आज तुम दोनों नाश्ता हरगिज़ नहीं बनाओगी, उन दोनों ने क्या सारी ज़िंदगी फोहड़ ही रहना है। आज मैं हबीबा मुलाजमा से कह देती हूँ, वह इन्हें बताती रहेगी साथ साथ, ये दोनों ही सबका नाश्ता बनाएंगी। बीजान ने थोड़ी सख्ती से कहा तो सुमन शाह और नाइला शाह ने पहले एक नज़र एक दूसरे पर डाली, फिर सुमन शाह ने आगे बढ़कर बीजान का हाथ थामा और इनके पास ही कुर्सी की सीट कर बैठ गई। बीजान अभी से ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हमारी आयत ने तो हमेशा यहीं रहना है, हमारे पास तुम दोनों ही है ना, और हम ना भी रहें तो ये जो इतने मुलाजिम हैं ये इसीलिए तो हैं कि हमारी फूल जैसी बच्ची को काम ना करने पड़े। हाय लाए कैसी चाची, अमी हम भी डिजर्व करते हैं, बस यही चाहिए ज़िंदगी में, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। या एक ऐसी सास जो भी है, सास है बल्कि ऐसी सास हम भी डिजर्व करते हैं। राम स्कूल से के नौकर तो मुलाजम तो है ना, बस बात ख़त्म, तमाम हो गई। हम वैसे ड्रामा देखते हैं पाकिस्तानी, लेकिन हम थोड़ी सी हमने क्लिप देखी थी एक ड्रामे की, आई थिंक उसका नाम था फेरी टेल का, कोई सीज़न 2 था। उस पर लड़की की सास होती है ना, उसके साथ काफ़ी हल्ला गुल्ला करती है। वाह हाउ लकी। खैर आगे पढ़ते हैं।
और बात रही अरूज की, तो इंशाल्लाह इसके नसीब भी अल्लाह अच्छे करेगा। हाँ थोड़ा बहुत इसे सिखा देंगे ताकि अगले घर कोई मुश्किल ना हो इसे, बाकी अल्लाह है ना वो बेहतर करेगा। सुमन जहाँ ने आयत को प्यार करते हुए बीजान से कहा तो आयत के लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट फैल गई, जबकि अरूज ने मुँह फुलाया। मैं भी कहूँ ये दोनों कुछ करती क्यों नहीं है, वो तो पता चला कि ये तुम लोगों की दी हुई शय पर सब कुछ हो रहा है, इनका क्या कसूर जब माएँ ही नहीं ये सिखा रही हैं। बीजान ने खुफकी से कहा तो वह चारों ही मुस्कुराने लगी। अच्छा मेरी प्यारी बीजान, अब बस करें ना, आप पता नहीं क्यों लाला की बातों को सीरियस लेती हैं, सबको पता ही, इन्हें तो बस गुस्सा करने की आदत है। अरूज उठकर बीजान के गले में बाहें डालती लाड से बोली तो उन्होंने भी इसके पिछाने चूमे, फिर वह सब उठ के अंदर की तरफ बढ़ गई। आयत को वेट सॉरी रात को आयत अपने लिए कॉफ़ी बनाने किचन में आई, सब लोग सो रहे थे, उसे पता नहीं क्यों इस वक्त कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही थी। अभी उसने फ्रिज से दूध का जग निकाला ही था कि खटके की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा तो मानो सकता हो गया। आलम जो लॉन में एक्सरसाइज कर रहा था किचन से आवाज़ सुनकर इसकी तरफ आया, तो इतने दिनों बाद इस दुश्मनी चाँक को केला देखकर इसकी तरफ बढ़ा। वो मैं कॉफ़ी बनाने आई थी, आयत ने जल्दी से वजाहत दी कि क्या पता वो बगैर किसी वजह के ही डांटते, जबकि उसे संजीदगी से अपनी जानी बात देख आयत को अनजाने से खौफ ने आन घेरा। आलम शाह ने करीब आकर उसे ज़ोर से खुद में पीछ लिया, लंबे लंबे सांस लेने लगा। मेरी जान आप नहीं जानती कि आपको खुद में समाने के लिए मैं कितना तड़प रहा था, उस दिन कहा था ना कि रात को अपने रूम का दरवाज़ा लॉक मत कीजिएगा मैं आऊँगा, तो फिर किसकी इजाज़त से आपने दरवाज़ा लॉक किया। हाँ आलम शाह ने पहली बार नरमी से की लेकिन फिर उसके कुछ दिन पहले की हरकत याद आई तो गुस्से से बोला। वो नाजुक जान जो पहले ही साफ दांत पर कांप रही थी उसके गुस्सा करने पर हिचकियों से रोने लगी। आलम प्लीज़ छोड़े मुझे, आयत ने अपने नाखून आलम शाह के कंधों पर मारे और साथ रोते हुए कहा, तो आलम शाह ने अपने जज्बात पर काबू पाया और उसकी गर्दन को दांतों में दबाते पीछे हो गया। वो जो अपनी होश आवाज़ खोने लगी थी उसके पीछे होते उसे कंधों से थाम लिया, तो आलम शाह ने भी उसकी कमर के गिर्द पाजू लपेटे और अपने सहारे पर खड़ा किया और एक हाथ उसकी आंखों से शफाफ मोती चुने जो बाहर आने को बेताब थे। इस मज़ाहमत और रोने की वजह जान सकता हूँ जाने आलम, उसकी आंखों में देखते खुरकत लहजे में कहा, तो आयत ने अपनी तो बेसाख्ता उसकी आंखों में देखा लेकिन उन आंखों में गुस्सा देखकर जल्दी से अपनी नजरें झुका ली जबकि हिचकियाँ भी बेचारी थी। मुझे आपसे डर लगता है, उसने मनमनाते हुए कहा। आंखें फिर से भरने लगी तो आलम शाह मुस्कुरा दिया और झुककर उसकी गुलाबी रुखसार पर शिद्दत से अपने लप रखे। मेरा नाजुक सा बेबी, क्यों डर लगता है मुझसे, मैं तो आपको कुछ भी नहीं कहता, आलम शाह ने इसके कांपते लबों और पर अंगूठा फेरते हुए नर्म लहजे में कहा। आयत ने अपने लबों पर से उसका हाथ हटाना चाहा जब लेकिन आलम ने दूसरे हाथ से उसकी दोनों कलाइयां सख्ती से पकड़ ली। आप हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं और मुझे डांटते भी हैं और मुझसे बाकी सबकी तरह प्यार भी नहीं करते, आयत ने मासूमियत से शिकवे किए तो आलम शाह को अपना आप बेमान होता नजर आया। दिल तो चाह रहा था इसी वक्त उसको खुद में समो ले। मेरी जान को इतने शिकवे हैं अपने शोहर से, मैं हर वक्त कहाँ गुस्सा रहता हूँ यार, सारा दिन तो ऑफिस होता हूँ और अगर गुस्सा होता भी हूँ तो आपके फ़ायदे के लिए होता हूँ। आप जानती हैं ना लड़कियों की इज्जत कांच ऐसी होती है, किसी की एक बात कह देने से ही दागदार हो जाती हैं, बस इसीलिए मैं आप दोनों पर थोड़ी सख्ती करता हूँ। बेशक हमारे घर में कोई गैर मर्द नहीं है लेकिन ये मुलाजम भी तो गैर ही है ना, मैं नहीं चाहता कि आप पर किसी की भी बुरी नज़र पड़े लेकिन आप दोनों आराम से बात समझती ही नहीं हैं तो इसलिए थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है मुझे। और जहाँ तक बात है प्यार की तो बस ये इलेक्शन हो जाए फिर बीजान से रुखसती की बात करते हैं, फिर जी भर कर प्यार करूँगा अपनी बेबी को। कुछ भी क्रिंज नहीं है और हमने कई नावल पढ़े हैं, कई नावल अब तो नावल पढ़ते पढ़ते हमें स्टोरी का थोड़ा बहुत इलम भी हो जाता है। अगर कोई अच्छी सी राइटर हो ना उसके सस्पेंस का हमें पता नहीं चलता लेकिन ओवरऑल पता चल जाता है कभी कभी। तो ये एक ये लफ्ज़ है जो हमें जहर जहर से भी बुरा लगता है कि मत ही पूछें ये बेबी शो ना बाबू जानू मानू पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लोग ना उस पिल्ला ना उस पिल्ला सब पिल्ला, मतलब अजीब है ये वर्ड, बहुत अजीब लगता है हमें। खैर आलम शाह ने अपने जज्बात पर बंद बांधते हुए प्यार से उसे समझाया और आखिरी बात उसकी आंखों में देखते हुए मायनी खेसी से की तो आयत का सहरा सुरख हो गया। फिर जब अपनी नाजुक लाइयाँ उसकी सख्त गिरफ्त में दुखती महसूस हुई तो उसने रोनी सूरत बनाकर उसकी तरफ देखा। छोड़े ना मुझे दर्द हो रहा है, आयत ने बेचारगी से कहा, तो आलम शाह ने उसके बाजू छोड़े उसके कंधों पर दोनों हाथ रखता उसकी तरफ देखने लगा। आप तो कुछ ज़्यादा ही नाजुक हैं, कैसे बर्दाश्त करेंगी मेरी शिद्दतें। खैर अब खाया पिया करें और अपने आप को तैयार करें क्योंकि वो वक्त अब दूर नहीं जब आप मेरी पनाहों में बेबस होंगी, और याद रहे उस दिन मैं ये नाजुक मिजाजी हरगिज नाजुक मिजाजी क्या होता है
कुछ चोरी होता है, मिजाजी नाजुक मिजाजी होता है, इधर गलत लिखा हुआ है। हम भी सोचे हम क्या गलत पढ़ रहे हैं। हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, सो बी रेडी। आलम शाह ने संजीदगी से कहा तो आज शर्म से मरने वाली होगी। वो कुर्सी से अपना दुपट्टा उठाकर कॉफ़ी बुलाई किचन से भागी तो आलम शाह भी मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। बीजान में सोच रही थी कि आलम से बात करती हूँ कि ऑफिस से वक्त निकाल कर बच्चों को शॉपिंग पर ले जाए, काफ़ी टाइम हो गया है दोनों को घर से बाहर निकले। सारा सारा दिन बेचारी बोर होती रहती है, ना कोई पढ़ाई, ना सेल इनके पास, ना ही किसी दोस्त के यहाँ आना जाना। तो अच्छा है कि एक दफ़ा आलम खुद इन्हें ले जाए, घूम फिर भी लेंगी और शॉपिंग भी कर लेंगी दोनों। सुमन शाह ने बीजान के कमरे में आकर कहा तो नाइला शाह जो इनकी टांगें दबा रही थी, उन्होंने भी इस बात से मुतफिक होकर इस बात में सर हिलाया। करके देख लो बात आलम से, मुझे तो नहीं लगता ले जाएगा। अभी कल ही तो उसने पर मजीद सिक्योरिटी बढ़ाई है, कलेक्शन की वजह से उसके दुश्मन उसकी बूंद सूंघते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम एक दफ़ा कोशिश कर लो। बीजान उठते हुए बोली और इन्हें उठने का इशारा किया तो वो भी बैठ के पाइंटी पर टिकी। बीजान बैठने का अभिजान कुछ देर सोचती रही, फिर एक गहरा सांस लेकर उन दोनों की तरफ संजीदगी से देखा। तुम लोगों ने आयत की रुखसती के बारे में क्या सोचा है? बीजान ने नाइला शाह की तरफ देखते हुए कहा। सुमन शाह ने मुस्कुरा दी, जबकि नाइला शाह को लगा इनका दिल अभी बंद हो जाएगा। जितना भी डांट टिपट लेती इकलौती उलाह से मोहब्बत भी तो बहुत थी, बेशक उसने बस एक कमरे से दूसरे कमरे जाना था, फिर भी ये तकलीफ एक माँ ही महसूस कर सकती है। हालांकि वह जानती थी आलम से बेहतर लड़का चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। हाँ भाई, वो हीरो है ना वर्गा, मगर बचपन से इतने लाडों से पाला था तब खुद से अलग करने का सोच कर ही उनकी सांस रुक रही थी। उनकी आंखें आंसू से भर गई, लेकिन बीजान आई तभी बहुत छोटी है, यूं अचानक कैसे? वो बेबसी से बोली जबकि आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे तो सुमन शाह ने उसका दुख समझते ही उन्हें खुद से लगाया। बेटा, माओं को तो औलाद हमेशा छोटी लगती है, लेकिन कभी ना कभी बेटियों को रुखसत करना तो होता है ना, और हमारी आई तो यही रहना है तुम्हारे पास, और आलम भी उसका बहुत ख्याल रखेगा, तुम बेवजह परेशान ना हो। बीजान ने उन्हें समझाते हुए कहा तो उन्होंने अपने आंसू साफ किए। अभी वो कुछ कहती कि धड़ाम से दरवाज़ा खुला और वो दोनों अंदर दाखिल हुई। यहाँ कौन सा गोलमेज कॉन्फ्रेंस चल रहा है? हम आप लोगों को पूरी हवेली में तलाश कर रही हूँ और आप तीनों यहाँ बैठी हैं, अरूश ने बेड पर चढ़ते बीजान के गोद में सर रखते हुए कहा। तो बीजान मोहब्बत से उनके बालों में उंगलियाँ चलाने लगी, जबकि आयत सोफे पर बैठ गई। नाइला बेगम मोहब्बत लुटाती नज़रों से आयत को देखने लगी। सुमन शाह खामोशी से इन्हें से उठी और आयत के पास जाकर बैठी और उसे सीने से लगा लिया। तो आयत ने भी मुस्कुराकर उनके गिर्द बाहें फैलाई। मामा, मैं नोट कर रही हूँ, आप आयत को मुझसे ज़्यादा प्यार करने लगी हैं, मैं तो सुतेली हूँ ना आपकी, अरूश ने मुंह बनाकर कहा। तो सुमन शाह मुस्कुरा, अभी उन्होंने लब खोले ही थे कि उनकी नज़र नाइला शाह पर गई, जिनकी आंखों से आंसू जबत के बावजूद फिर से छलक पड़े थे। इन्हें रोता देख आयत फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ी, क्योंकि उसने इन्हें इससे पहले कभी भी रोता हुआ नहीं देखा था। मामा, क्या हुआ है आपको? आप यूँ रो रही हैं, मुझे बताएं ना मामा जान, आयत उनके आंसू साफ करती बोली। तो उन्होंने आयत को खुद में भींच लिया और उसके मुंह पर दीवाना वार प्यार करने लगी। फिर उससे अलायदा होकर अपनी आंसू साफ किए और नम आंखों से मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखा। कुछ नहीं हुआ बेटा, बस देख रही थी मेरी आयत कितनी बड़ी हो गई है और मुझे पता भी नहीं चला, वो इसकी खाल सहलाते हुए बोली। तो आयत ने हैरानगी से उनकी तरफ देखा। मामा, इसमें रोने की क्या बात है, और वैसे भी मैं इतनी बड़ी नहीं हुई, देखे छोटी सी तो हूँ मैं, उसने आखिर में शरारत से कहा। तो वह सब मुस्कुराने लगी। बस अब यूँ ही बातें कर रही थी कि मुलाजमा ने आकर आलम शाह की आमद की खबर दी, तो बीजान ने उसे यहीं बुलाने का कहा। अरूश जो रिलैक्स ही लेटी हुई थी अपने लाला के आने का सुनकर सीधी हो बैठी और दुपट्टा ठीक किया, जबकि आयत भी बेड पर चढ़ गई कि अगर सोफे पर बैठती तो वो भी इसके साथ बैठ जाता, क्योंकि कमरे में कोई और जगह नहीं थी बैठने की। आयत, यार तुम तो सोफे पर ही बैठ जाओ ना, यूँ सब बेड पर बैठेंगे तो ये ना हो बेड टूट ही जाए, अरूश ने उसे तंग करते हुए कहा। तो आयत ने उसे कोहनी मारी, बीजान भी मुस्कुरा रही। आलम शाह सलाम करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो सबको जमा देखकर हैरान हुआ और आगे बढ़कर बीजान के आगे सर झुकाया तो उन्होंने इसके माथे पर प्यार किया। आयत जो बिल्कुल बीजान के पास बैठी थी उसे झुकता देख जल्दी से पीछे हुई, फिर सबको मुस्कुराहट दबाते देख खुफकी से सर झुका कि बीजान से दुआएं लेकर वो खामोशी से सोफे पर बैठी सुमन शाह के पास आकर बैठ गया और बाजू पर से कोट उतार कर सोफे की पुष्ट पर डाला। आयत ने एक नज़र भर कर उसकी जानिब देखा, जो इस वक्त थकन से चूर था लेकिन बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। बताना ये है कि वो हीरो है। बाल माथे पर बिखरे थे और टाई ढीली की हुई थी, जबकि आंखों में थकावट साफ दिख रही थी। आयत को वो इतना प्यारा लगा कि दिल बेतहाशा धड़कने लगा। आलम जो कब से उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था, बाल ठीक करने के बहाने चेहरे के आगे हाथ कर के आयत की तरफ मुस्कुरा कर देखा और एक आंख विंग की तो आयत शर्म से नज़र झुका की। वो भी मुस्कुराता हुआ सीधा हो बैठा और बीजान की तजाने मुतवज्जा हुआ। कहें बीजान, आपने बुलाया था?
बस संजीदगी से बीजान से मुखातिब हुआ। सुमन शाह ने बीजान की तरफ इशारा करके, अभी रुखसती की बात मत करें, बच्चियां बैठी हैं। तो बीजान ने इस बात में सर हिलाया, हाँ बच्चे अब हम सोच रहे हैं कि तुम अरूश और आयत आयत को लेकर शहर ले जाओ, इन्हें कुछ खरीदारी भी करवा देना और घूम फिरा भी देना, घुमा फिरा देना बच्चियाँ सारा दिन घर में उदास सी रहती हैं, बाहर निकलेंगी तो जहन फ्रेश होंगे इनके, और अगर तुम्हें बेहतर लगे तो इन्हें मोबाइल फ़ोन भी लेकर दे दो, चलो इनके दिल भी हल जाएंगे। बीजा ने आखिरी बात कह तो दी थी, लेकिन अब इसके तासरा देख रही थी, जबकि आयत और अरूश तो मानो हवाओं में उड़ने लगी थी। मतलब उनकी बीजान में उनके बीजान भी उनके लिए इतना सोचा सोचती हैं, लेकिन अब वो दोनों भी आलम शाह को देख रही थी कि वो क्या कहता है, क्योंकि होना तो वही था जो वो कहता। बीजान आप जानती है ना, पहले ही मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, ऑफिस भी संभालना होता है और साथ साथ इलेक्शन की तैयारियाँ भी चल रही हैं, तो अभी इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर इन्हें कुछ ज़रूरी चाहिए भी तो मुझे लिस्ट बना दे, मैं मंगवा दूँगा, लेकिन ऐसे हालात में इनका बाहर जाना मुझे ठीक नहीं लगता। और जहाँ तक बात है मोबाइल फ़ोन की, तो वो भी इन्हें नहीं मिल सकते, यूँ कुंवारी लड़कियों के पास मोबाइल फ़ोन होना मुनासिब नहीं लगता, वही इंतहाई संजीदगी से बोला, और साथ ही हमें अपने रिश्तेदारों की याद आ गई। तो बीजान भी खामोश हो गई, जबकि उन दोनों के मुंह ही लटक गए थे। मतलब कितनी नाइंसाफ़ी, देख लिया तुमने अपने जलात लाला को कितने जालिम है, हमें तो तकरीबन कैदी कर रखा है। आयत ने मुँह बनाकर रूश के कान में सरगोशी की, तो उसने घूर कर इसे देखा, तो तुम्हारे अंदर की बीवी मर गई है क्या, या जाकर एहतजाज करो कि भई हम भी इंसान हैं, बल्कि तुम क्या करोगी, अभी देखो मेरा कमाल। अरूश ने चुटकी बजाई और आयत उठकर आलम के साथ सोफे पर जा बैठी, अपने दोनों बाजू इसके बाएं बाजू पर लपेट कर लार से उसकी तरफ देखा, तो आलम शाह ने प्यार से उसके बालों पर लप रखे, लाला देखें प्लीज़ बेशक सेल ना ले दें, लेकिन हमें शॉपिंग पर तो आप ले जा सकते हैं ना, याद करें लास्ट टाइम हम पूरे 2 साल पहले गई थी शॉपिंग पर आपके साथ, इतना टाइम हो गया हमने कभी आपसे कोई ज़िद नहीं की, तो प्लीज़ हमें ले जाए ना, देखें हम गार्ड्स को साथ ले जाएंगे और अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं होगा, देखें लाला मान जाए ना। अरूश ने इतने लाड से कहा तो आलम शाह ने इस बात में सर हिलाया और अरूश के गिरद बाहें फैलाते से खुद से लगा लिया, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, कल परसों तक चलेंगे। बीजान आपने कुछ और भी कहना है या मैं अब चलूँ, वो प्यार से कहता कोट उठाकर उठ खड़ा हुआ और बीजान की तरफ देखकर सवाल किया, तो उन्होंने कुछ सोचकर नफ़ी में सर हिलाया। आलम शाह के कमरे से बाहर जाते ही आयत भागकर अरूश के पास आई और उसके गले लग गई, वाह अरूश यार आज मैं तुम्हें सच में मान गई, अब चलो जाकर कल के लिए लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या लेना है। आयत ने पुरजोशी से कहा तो रूश भी उसके साथ झूमती बाहर निकली, पीछे वो तीनों इनके बचपने पर मुस्कुरा दी। बीजान इन्हें हमेशा खुश रहने की दुआएं देती वजू के लिए उठ गई, तो नायला और समन शाह भी रात का खाना देखने किचन की तरफ बढ़ी। चलो आयत मर्दान खाने से लाला को बुला लाती हूँ, उन्होंने कहा था 6 बजे जाएंगे, 6 तो बच गए हैं, लगता है लाला मेहमानों में बिजी हैं तो भूल ही ना गए हों। अरूश ने अपने हैंडबैग में टिशू रोल रखते हुए जिप बंद की और उसे लाउंज के सोफे पर ही रखकर आयत से बोली। आयत जो गहरी सोच में गुम थी उसकी बात पर हैरानगी से उसकी तरफ देखा, तुम पागल तो नहीं हो, जानती नहीं हो अपने लाला को, उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ है कि मर्दान खाने में कोई औरत भी कदम ना रखें, बेशक कोई मलाज में ही क्यों ना हो। बहन मेरा तो इस टाइम डांट खाने का कोई इरादा नहीं है, हाँ अगर तुम्हारा इरादा है तो यू कैन गो। आयत ने सहूलत से इनकार किया और उठकर किचन की तरफ जाने लगी कि अरूश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोका, आयत यार कुछ नहीं होता ना, हम किसी मुलाजिम को बोलकर लाला को बुला लेंगे, खुद कमरे में दाखिल नहीं होंगे तो लाला नहीं डांटेंगे, अब देखो टाइम 6 से ऊपर हो रहा है, ये ना लाला ले भी ना जाए और कल या परसों तो वैसे भी उन्होंने 5 दिनों के लिए इस्लामाबाद जाना है, तो फिर शॉपिंग पर जाने का मौका नहीं मिलना। अब चलो भी, अरूश ने उसे समझाते हुए कहा, तो दोनों मर्दान खाने की तरफ बढ़ी। अभी वो मर्दान खाने के लाउंज में दाखिल हुई थी कि सारे मुलाजिम इन्हें देख नजर झुका गया। अरूश ने आगे बढ़कर एक मुलाजिम को आलम शाह को बुलाने भेजा। अभी मुलाजिम को ये 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि मुलाजिम के बजाय आलम शाह आंधी तूफान बनाए कमरे से नमोदार हुआ। उन दोनों को यूँ सिर्फ दुपट्टों में मर्दान खाने में पाया तो मुलाजिम को वहाँ से जाने को कहा और खुद शोला उखलती नज़रों से उन दोनों को देखने लगा, चल आग में चलो तुम दोनों। वैसे उनकी बेसब्री समझी जा सकती है, अक्सर बेशक 2 साल नहीं हुए हमें शॉपिंग पर जाए हुए, मतलब जब भी बाज़ार जाना होता है ना, या मतलब ऐसी जगह जो हमारी फेवरेट हो, बाज़ार नहीं हो सकता, वो हमें कोफ़त होती है शॉपिंग के नाम से, जब भी मतलब ऐसी कोई जगह जाना हो ना जो हमारी फेवरेट हो, तो हम भी ऐसे ही करते हैं कि जल्दी जल्दी बस हो जाए सारा कुछ। आई तो उसे यूं देखकर पीछे हो गई, तुम दोनों बच्चियां हो क्या कि हर बात समझानी पड़ेगी तुम लोगों को, ये सारा दिन जो उछलती रहती हो ना, ये अब छोड़ दो और दोनों ताई और मामा का हाथ बैठाया करो, अब कोई छोटी बच्चियां नहीं रही तुम लोग,
और आज के बाद मुझे तुम दोनों मर्दान खाने के करीब भी नज़र आई ना तो जान ले लूँगा दोनों की, समझी। आलम शाह की धार पर आए तो तकरीबन अरूश के पीछे चुपकी, जबकि अरूश खुद अपने लाला को उस कदर गुस्से में देखकर कांप कर रह गई। वो लाला, हम तो बस आपको बुलाने आई थी। और वो आखिर अरूश ही हिम्मत करती कांपते हुए बोली, मुलाजम मर गए थे जो मुझे बुलाने तुम दोनों ही आन पहुँची हो। इस दफ़ा वो अरूश के पीछे छुपी उस नाजुक जान को घूरता हुआ बोला था, जो इसकी नज़रें खुद पर महसूस करके मरने वाली हो गई थी, जबकि इतनी देर से जब्त किए हुए आंसू गुलाबी नर्म मुलायम रुखसारों पर बह निकले थे। अभी भी तो मुलाजमों को ही भेजा है, और कितने मुलाजमों को भेजते हो? उसकी हालत खैर होते देख आलम शाह ने खुद पर काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि जानता था कि वो जो उसकी सख्त नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ये लहजा किस कैसे बर्दाश्त करती। अच्छा, फ़िलहाल तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ रहा हूँ, आइंदा ख्याल रखना। वो इस बार कुछ नरम आवाज़ में मुखातिब हुआ तो रूश ने सरूर हिलाया और दोनों वापस जनान खाने की तरफ चल पड़ी। आलम शाह तो उनकी हरकत पर बुलबुला कर रह गया था, कैसे वो इसके लिए इसकी इतना मना करने के बावजूद भी मर्दान खाने में आ गई थी। लेकिन फ़िलहाल उसने अपना गुस्सा दबा लिया था, क्योंकि अभी वो इन्हें यहाँ से भेजना चाहता था, इसलिए थोड़ा सा डांट कर भगा दिया। इस वक्त मर्दान खाने में उसके कई खास मेहमान आए हुए थे, तो उनका सोचते वो अपने गुस्से पर काबू पाता दोबारा अंदर की तरफ पड़ा। आयत खुदा का नाम लो यार, प्लीज़ चुप कर जाओ, मामा मुझे ही डांटेंगी। वो दोनों वहाँ से सीधा जनान खाने की पिछली तरफ बने लॉन में आई थी और आयत आलम शाह के गुस्से को याद करते रोए जा रही थी, जबकि अरूश को टेंशन थी कि जब आलम शाह भी जान लोगों को बताएगा तो इन दोनों की तो खैर नहीं। वो जानती थी हवेली आकर आलम शाह ने इन पर गुस्से से फटना था, लेकिन वो हिम्मत से काम ले रही थी और तकरीबन 10 मिनट से रोती आयत को तसल्ली करवा रही थी, जब आयत के चुप होने के कोई असरात नज़र ना आए तो बेबसी से बोली। आयत ने सर उठाकर उसे देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि नहीं जाते, तो मेरी बात मान लेती ना, अब ये ना होता। उन्होंने कितना डांटा है मुझे और अब मुझे और फिर से डांटेंगे, आयत फिर से रोती हुई बोली। तो अरूश ने उसके आंसू साफ किए और उसकी तरफ देखा। अच्छा यार, पता है गलती मेरी है, उठो चले हवेली, ये ना हो लाला आ चुके हों, अरूश ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो आयत भी कुर्सी छोड़कर उठ गई और दोनों अंदर दाखिल हुई, जहां लाउंज में सब मौजूद थे, जबकि आलम शाह पिपरे हुए शेर की तरह दहाड़ रहा था। अगर आप लोगों से ये नहीं संभलती तो मुझे कहीं भी अभी इनका बंदोबस्त करता हूँ, मैं भी इनका बंदोबस्त करता हूँ। अब गई कहाँ हैं ये दोनों? अभी वो गुस्से से गुरा रहा था कि इनको अंदर आते देख मजीद भड़का। आयत तो भाग कर समन शाह में छुपने वाली होगी, जबकि अरूश भी खामोशी से नाइला शाह के पहलू में नजरें झुका कर खड़ी होगी, क्योंकि इस वक्त बीजान के नज़दीक जाना खतरे से खाली नहीं था। उनके चेहरे से ही लग रहा था वो भी आलम शाह जितनी भड़की बैठी हैं। दादी अक्सर बचा लेती है, अगर यहाँ पर पोता होता तो बचा लेना था। ऐसे तो पोतियों को भी बचा लेती है, हमारी दादी ने हमें बचाया है। जब भी मम्मा या फिर छोटे होते बाबा डांटते थे, भाई को भी बहुत बचाया, वो तो छुप भी जाता था उनके पीछे। यहाँ वो दोनों फ़ौरन, आलम शाह बोला नहीं चीखा था। अरूश ने एक नज़र आयत को देखा जो कांपती हुई समन शाह के सीने में छुपी बैठी थी। अरूश ने मदद तलब नज़रों से नायला शाह को देखा तो उन्होंने एक नज़र भी जान पर डाली, फिर आलम शाह की तरफ मुतवज्जो हुई। आलम बेटा माफ़ कर दो बच्चियों को, देखो ये शर्मिंदा हैं और हम समझाएंगे इन्हें, आइंदा ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी, नायला शाह ने आलम को ठंडा करते हुए कहा। तो आलम शाह ने एक सख्त नज़र रोती हुई आयत पर डाली। समन शाह जब से उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बस रोए जा रही थी। आलम ने उसका खुद से इतना डरना महसूस करके इतने गुस्से में भी मुस्कराहट दबाई, फिर संजीदगी से नायला शाह की तरफ देखा। चाची आप लोग क्या समझाएंगे इन्हें, जब इनके पास दिमाग है ही नहीं। जब मैंने कहा था कि मैं ले जाऊंगा शॉपिंग पर, तो इनका मुझे बुलाने वहाँ पहुँचाने का मकसद शायद तुम भूल जाते, बेसब्रियाँ थी वो हमारी तरह। इन्हें एक दफ़ा की यही बात समझ नहीं आती ना कि मर्दान खाने तक ही पहुंच गई। क्या नाम है उस जगह का, मर्दान खाना मतलब मर्दों की जगह, वहाँ पे क्या सोच कर आई थी, वो भी बगैर चेहरा छुपाए बगैर किसी चादर के। मेरा तो सोच कर ही खून खोल रहा है कि सब मुलाजमीन इन्हें देखा होगा। आलम शाह को फिर से गुस्सा होते देख अरूश की आंखों से भी आंसू बहने लगे, तो बीजान को ही इन पर रहम आया। अच्छा आलम बस करो बच्चे, बाइंदा ये ख्याल रखेंगी, बीजान ने आलम शाह से कहा। तो उसने भी दोनों की हालत के पेश नज़र खुद को कंट्रोल किया। सुमन शाह के इशारे पर मुलाजमा उसके लिए पानी का गिलास ले आई, तो उसने 2 घूंट भरकर वापस मुलाजमा को पकड़ा दिया। इसको छोड़े चीख रहा है, उन दोनों को पिलाएं पानी। तो सुमन शाह ने वही गिलास मुलाजमा से लेकर रोती बिलकती आयत के मुँह से लगाया, तो आलम शाह को सुकून सा मिला। फिर आलम शाह ने आगे आकर सुनिए अरूश को खुद से लगाया, जो पहली दफ़ा यूँ रो रही थी। जो भी था उसको अपनी बहन बहुत प्यारी थी, उसकी आंखों में आंसू तो वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। आलम शाह ने उसके आंसू साफ, अच्छा बस मेरी जान चुप करो और
अब अगर शॉपिंग पर चलना है तो भाग के चादर ले आओ, आलम शाह ने मोहब्बत से कहा। तो रूश भी आंसू साफ करके मुस्कुराने लगी और शॉपिंग का सुनकर ऊपर चादर लेने भागी तो सब उसकी स्पीड पर मुस्कुरा दिए। इसके साथ ही गाइस, अगर आप दिया दाहरा को मतलब फॉलो कर रहे हैं, मतलब रीड करें उनके नावल्स, उनका एक नावल बुक फॉर्म में आने वाला है दिले यार, उसकी प्री बुकिंग स्टार्ट है और आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर दे सकते हैं या इंस्टाग्राम के थ्रू या ईमेल के थ्रू, ये सारा कुछ कमेंट में पहले मतलब पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, मतलब पिन होगा कमेंट सेक्शन मेरा पिन होगा। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिटेल्स के लिए उस मतलब ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के इंस्टाग्राम पे किसी भी थ्रू आप डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। नावल कज़न मैरिज पे होगा, उन्होंने पहले भी कज़न मैरिज पे लिखा हुआ है मैत्री आदत का मारा। तो हीरोइन थोड़ी मतलब गुस्से वाली और शरारती है और हीरो भी काफ़ी सख्त है और सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मतलब दोनों ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, दोनों ही अपनी अपनी शौकियाँ बिगाड़ते रहते हैं। और इसके साथ ही हवेली बेस्ड होगा, तो आप लोग अगर रीड करना चाहें तो लास्ट में प्री बुकिंग करवा लें क्योंकि अभी फ़िलहाल कीमत कम है और जब डेट यानी कि 20 दिसंबर को से जाएगा तो कीमत ज़्यादा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलें कि फिर आलम शाह के इशारा करने पर नायला शाह आयद की तरफ बढ़ी, जिसने रोना तो बंद कर दिया था मगर हिचकियाँ और कपकपाहट अभी तक जारी थी। यही नज़ाकत तो नायला शाह को परेशान करती थी। आयद, मेरी गुड़िया, जाओ मेरे चेहरे को अच्छे से धोकर आओ, फिर शहर के लिए निकलो बेटा, अब काफ़ी वक्त हो गया है तो वापसी पर ज़्यादा देर ना हो जाए, फिर यूं ही मुश्किल होगी। नायला शाह ने प्यार से उसके बाल समेटते हुए कहा तो वो जो नजरें झुकाए बैठी थी, एक नज़र उठाकर आलम शाह को देखा जो बिला तल्लुक सा अपने सेल में मसरूफ़ खड़ा था और फिर संजीदगी से नायला शाह की तरफ देखा। नहीं मम्मा जान, मुझे नहीं जाना कहीं भी। उसकी बात पर समन शाह ने उसकी तरफ देखा। आए तो उठो बेटा, बस अब हालत देखो अपनी, क्या बना लिया आपने, बाहर जाओगी तो फ्रेश हो जाओगी बच्चे, जल्दी से चेहरा दुरुस्त करके आओ अपना। समन शाह ने प्यार से उसे समझाया, नहीं ताई, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बहुत थक गई हूँ, अब कुछ देर रूम में रेस्ट करूँगी, आप अरूष को भेज दें इनके साथ। वो अपनी बात कहकर उठी और सीढ़ियों की जानब जाने के लिए कदम बढ़ाए। आलम शाह के पास से गुजरने ही लगी थी कि आलम शाह ने उसकी कलाई जोर से पकड़ी। वो जो कब से उसके बार बार इनकार करने पर अपनी गुस्से को काबू किए खड़ा था, उसकी बदलिहासी पर अचानक गुस्से में आया। ये क्या बदतमीजी, हाँ समझ नहीं आ रही मम्मा और चाची क्या कह रही हैं, चुपचाप चादर पकड़ो और चलो मेरे साथ, बस सख्ती से बोला और सामने से आती अरूज के हाथ से एक चादर थाम कर उसकी जानी बढ़ाई तो आयत की आंखें फिर से भरने लगी फिटे मुतरे से। उसने नम आंखों से नायला शाह को देखा जो खुद आलम शाह के गुस्सा होने पर परेशान थी लेकिन खामोश खड़ी थी। मुझे नहीं आना, वो फिर से ठिठाई से बोली तो आलम शाह उसकी हट दर्मी पर मजीद तेज में आया। मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो और चुपचाप ये चादर ओढ़ो। वो अपनी गिरफ्त और मजबूत मजीद सख्त करता सॉरी करता हुआ बोला तो आयत को लगा इसकी कलाई टूट जाएगी। आयत ने बगैर किसी के जानब देखे चादर पकड़ी और अच्छे से अपने गिर तोड़ी। आलम शाह अरूज को इसे लाने का इशारा करते खुद बाहर पोर्च की तरफ चला गया तो वो दोनों भी उसकी पैरवी में लाउंज से निकली। पता नहीं आयत को क्या हो गया, पहले तो वो कभी ऐसे नाराज नहीं हुई। बीजान ने नायला शाह और समन शाह को देखते हुए कहा। आज आयत बहुत ज़्यादा ही दुखी हो रही थी, है ना, इतनी नाजुक कहाँ बर्दाश्त कर सकती है किसी की सख्ती। आलम को भी तो ऐसा गुस्सा आया हुआ था कि एक दफ़ा तो मैं भी डर गई थी, समन शाह ने संजीदगी से कहा तो बीजान ने सर हिलाया और वो इधर उधर की बातें करने लगे। वो लोग अभी शहर पहुंचे थे, सारे रास्ते वो दोनों खामोश रही। अरूज के इसरार करने पर आयत को मजबूरन फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा था जबकि गार्ड्स की एक गाड़ी उनके आगे थी और दूसरी पीछे। आलम शाह ने मॉल की पार्किंग में गाड़ी पार्क की और इन दोनों को उतरता देख बोला, मैं तुम दोनों में से किसी का भी नकाब उतरता ना देखूँ। उतराना सॉरी आलम शाह ने तनबीहा की तो अरूज सर हिलाती उतर गई। आयत भी अभी कार का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि आलम शाह ने अचानक उसका हाथ पकड़कर अपनी जानब खींचा और उसके लबों को अपने लबों में कैद किया। आयत शाह की सांसें तेज़ी से अपनी सांसों में उतारते पीछे हुआ, आई एम सॉरी माई वाइफ या लाइफ जो भी है। आयत जो गहरे गहरे सांस लेती अपना तनफ्फुस दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी, इसकी सरगोशी पर उसे देखा, फिर शर्म से सुरख पड़ती नजरें झुका की और तेज़ी से बाहर निकली। तो वो भी बाहर आया और इन्हें साथ लिए आगे बढ़ा। उसकी बाएं जानब अरूज थी और दाएं जानब आयत, वो दोनों ही उसकी हमराही में खुद को बेपनाह
महफूज महसूस करी थी। दोनों को किसी की परेशानी नहीं थी क्योंकि उनका महरम उनके साथ था। वो मॉल में दाखिल हुए, सबसे पहले आलमी ने एक लेडीज़ कपड़ों की शॉप में ले गया और फिर वो दोनों आगे आगे थीं और आलम उनके पीछे। दोनों ने जब ढेरों शॉपिंग कर ली तो आलम ने इन्हें रेस्टोरेंट से खाना खिलाया। अभी वो वापसी के लिए निकल ही रहे थे कि सुमन शाह की कॉल देकर आलम ने गाड़ी में बैठने का कहा और खुद कॉल अटेंड करके सेल कान से लगाया। आलम बेटा, तुम्हारी बीजान कह रही हैं कि हजरा तुम लोग गाँव के लिए ना निकलो। देखो ना बच्चे, अब 11:30 हो रहे हैं, तुम लोग थक भी गए होंगे तो शहर में अपने बंगले पर ही रात गुजार लो, सुबह वापस आ जाना। उन्होंने आलम को समझाया तो उसने 2-4 और बातें की और गाड़ी में आ बैठा। जब उसने दोनों को बताया तो दोनों ही उदास होंगी क्योंकि इन्हें यूँ इतनी देर हवेली से बाहर रहने की आदत ही कहाँ थी, लेकिन मजबूरी के तहत दोनों खामोश होंगी। बंगला काफ़ी खूबसूरत था और काफ़ी बड़ा था। आलम शाह ने हवेली के अलावा भी 2 बंगले बनवा रखे थे, एक यहाँ लाहौर में और दूसरा इस्लामाबाद, क्योंकि उसे अक्सर इन 2 शहरों में रात गुजारनी पड़ती थी और उसे होटल्स में रहना पसंद नहीं था। आलम शाह ने मुलाजमा को उन दोनों को कमरे दिखाने का कहा और खुद अपने कमरे की तरफ भड़क गया। जब मुलाजमा ने आयत को उसका कमरा दिखाया तो उसे वो बहुत पसंद आया। वो डार्क ग्रे थीम का बड़ा सा कमरा था जिसमें एक जहाज़ी साइड बेड और एक 3-सीटर सोफे के साथ एक टेबल रखी थी और सामने 2 चेयर्स रखी थी। एक साइड पर ड्रेसिंग टेबल था जबकि एक दीवार पर बुक रेक्स बनी हुई थी जिनमें खूबसूरत डेकोरेशन पीस पड़े थे। रेक्स बनी हुई थी, बुक रेक में तो बुक ही होनी थी ना। और दीवार पर बड़े साइज़ का एलसीडी लगा हुआ था। मजाल है जब हम इसको सीधा पढ़ लें, कभी जल्दी जल्दी में हम इसको हमेशा उल्टा ही पढ़ते हैं। ऐसे ही मैं याद आ गया, ग्रुप हमने ज्वाइन किया था उर्दू नावल प्लेटफॉर्म, उसे UNP बोलना था, उर्दू नावल प्लेटफॉर्म, उसका हर एक का ना फर्स्ट अल्फ़ाबेट, हम उसे UPN बोल देते थे। VPN होता है ना, तो UPN बोल देते थे। उसके एडमिन ने हमें बहुत समझाया, फिर जाके हमारा तलफ़ दुरुस्त हुआ था। खैर मासरत, आयत को पहली नज़र में ही वो कमरा इतना पसंद आया कि उसने हवेली में अपना कमरा बिल्कुल ऐसे ही बनवाने का इरादा कर लिया। फिलहाल वो बहुत थक गई थी तो वॉशरूम गई और मुँह हाथ धोकर बालों में ब्रश किया और AC चलाकर बेड पर आकर लेट गई। थकावट की वजह से उसे कुछ ही देर में नींद आ गई। अभी से सोए कुछ ही देर हुई थी कि वो एक डरावने ख्वाब से डर कर उठ बैठी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसकी नज़र घड़ी पर गई तो अभी रात के 1:30 बज रहे थे। उसे याद आया कि वो अपनी हवेली में नहीं है, तो बेसाख्ता उसे एक नए खौफ ने आन घेरा। डर की वजह से उसकी आंखों से आंसू तेज़ी से बहने लगे। वो बाहर जाने से भी डर रही थी और अंदर लेटी भी खौफ से कांप रही थी। उसने डर की वजह से खुद पर कंफर्टर अच्छे से लपेट लिया, जबकि इतनी कूलिंग ने भी उसका जिस्म पसीने से कूलिंग में भी आई थिंक उसका जिसम पसीने से भीगने लगा था। वो बेतहाशा रोने लगी और अचानक उठकर बाहर भागी। उसने लंबी कतार में बने कमरों में से अपने सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अंदर से लोग था। वह रोती हुई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और सामने कच्ची नींद से जागा आलम खड़ा था, लेकिन उसे यूँ रोता देख आलम शाह की नींद भक से उड़ी। अभी वो कुछ समझता कि आयत बगैर दुपट्टे के भागकर उसकी बाहों में समा गई और फूट फूट कर रोने लगी तो आलम भी समझ गया कि वो किसी ख्वाब से डरी है। आलम शाह ने उसके गिर्द हिसार बांधा और उसकी कमर सहलाने लगा। आयत बस मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ, मेरी तरफ देखें तो सही। आलम ने उसका डर दूर करने की खातर प्यार से कहा, उसे खुद से अलायदा करने की कोशिश की, मगर वो बस उससे चिपकी रोए जा रही थी। आलम प्लीज़, मुझे मम्मा पास जाना है, वो बच्चों की तरह रोती हुई बोली तो आलम ने उसे बाजू में भरा और जाकर अपने बेड पर लटाया और वापस आकर दरवाज़ा लॉक किया। फिर टेबल से जग उठा कर गिलास में पानी भरा और उसकी तरफ बढ़ा। आलम ने खामोशी से गिलास उसके लबों से लगाया तो आयत ने बामुश्किल एक घूंट भरकर गिलास को परे कर दिया था। तो आलम गिलास रखता उसके पास आ बैठा और उसे खींच कर अपनी बाहों में भरा तो उसके सीने पर सरकती गहरे सांस लेने लगी, जबकि उसकी इतनी कुर्बत पर आलम शाह को अपना आप बहकता हुआ महसूस हुआ। उसका मासूम रोया रोया चेहरा आलम शाह को अपनी जानिब रागब करने लगा। कभी कभी हम तेज़ी में तलफ़ गलत पड़ जाते हैं, कभी कभी हम वैसे ही तलफ़ गलत पड़ जाते हैं क्योंकि वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, हम ठीक पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़बान पर चढ़ चुके होते हैं ना लफ्ज़, हमें पता भी होता है सही ये है लेकिन हम मुतमिन नहीं होते। ऐसा इंग्लिश के वर्ड्स में अक्सर होता है हमारे साथ, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये रोया तो नहीं लिखा हुआ, और अगर हम गलत पढ़ते तो हम पे तनकीद होनी थी। वैसे उसका मासूम रोया रहा चेहरा आलम शाह को अपनी जाने मुराकिब करने लगा। वो जानता था वो बहुत मासूम है, वो बगैर सोचे समझे उसके कमरे में आ गई थी, लेकिन न जाने क्यों आज आलम शाह को अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था। हाँ, आलम शाह जो अपने असूलों का बहुत पक्का था, आज वो अपनी बीवी की मासूमियत और खूबसूरती पर बहक रहा था। आलम शाह ने अचानक इसे कुछ से अलग करके तकिए पर गिराया तो आयत उसकी आंखों में खुमार की सुर्खी देख कर घबरा गई। आयत ने उठना चाहा था लेकिन आलम शाह ने उसे दोबारा से वापस गिराया और उस
उस पर मुकम्मल काबिज हो गया। आलम ने उसके कामते लोगों को अपने नाभी लोगों में लिया और उसकी अपनी सांसों में शिद्दत से उठेने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने होंठों से गर्दन तक का सफ़र तय किया। आयत में तहाशा तड़पती हुई उसे खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नाजुक जान उस मजबूत शख्स को एक इंच भी ना हिला सके। आलम शाह ने उसकी दोनों कलाइयाँ अपने हाथों में दबोची। आलम ने उसके गर्दन पर शिद्दत से दांत गाड़े तो कमरे की खामोश फिजा में आयत की सिसकियाँ उभरने लगी। आलम पीछे हटे, प्लीज़ अभी रुकती नहीं हुई, प्लीज़ आलम, वो गिड़गिड़ाते हुए बोली। लेकिन आलम आज उसके सुनने के मूड में हरगिज नहीं था। उसके बाद आलम की शिद्दतें थी और उसकी नाजुक जान, वो सारी रात तड़पती रही, रोती रही, उसके आगे गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आलम शाह ने नहीं रुकना था तो वो ना रुका। सुबह आलम की नींद उसकी सिसकियों की आवाज़ से खुली तो उसकी नज़र बेसाख्ता घड़ी की तरफ उठी जो सुबह के 7 बजे आ रही थी। अभी 1.5 घंटे पहले ही तो वो सोया था और उसे भी सोने का कहा था। उसे अभी तक यूं रोते देख आलम शाह को ज़रा सा दुख हुआ। वो वाकई रात में उसके साथ काफ़ी सख्ती से पेश आया था, हालाँकि जानता था वो नाजुक गुड़िया उसकी शिद्दतें नहीं सह सकती। वो उसकी बेरहमी पर टूट चुकी थी, अब उसे समेटना भी तो आलम शाह नहीं था। आलम शाह ने उसकी तरफ देखा जो उसी की प्लेन स्याह टी शर्ट में खुद को कंफर्टर में सीने तक छुपाए पड़ी थी, जबकि रात के मुझसे मुसलसल रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी। आलम शाह को इस पर रहम आया तो उठ कर उस पर झुका और उसके बाल चेहरे से समेट कर पीछे किए। जब आलम शाह की नज़र उसके गर्दन पर मौजूद अपनी शिद्दतों से दिए गए निशानों पर पड़ी तो उसे मज़ीद दुख हुआ। पता नहीं उसने इतनी तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त की होगी। अभी वो कुछ कहता कि आयत ने शिद्दत से रोते हुए उसे खुद से दूर झटका। आप बहुत बुरे हैं आलम शाह, बहुत बुरे। वो उसकी शर्ट लैस सीने पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के मारती हुई बोली तो आलम शाह ने पीछे बैठ कर से टेक लगाई और उसे भी सहारा देकर ज़बरदस्ती अपने सीने से लगाया तो वो मुझे टूटती ज़ोर शोर से रोने लगी। बस मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ, तुम निकाह में हो मेरे, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, जो यूँ रो रही हो। अब बस एक आंसू ना गिरे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आलम शाह ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़ कर ऊपर करते हुए प्यार से कहा और उसके आंसू साफ किए, लेकिन उसे स्टिल यूं ही रोता देख वो थोड़ी सख्ती से गोया हुआ तो आयत ने खुद पर काबू पाया और उसके सीने में छुपने की कोशिश करने लगी। आलम शाह ने मुस्कुरा कर उसके बालों में पर लब रखे, लेकिन अपने सीने पर फिर से उसके आंसू महसूस करते आलम शाह ने उसे खुद से अलग किया और बेड सूट कर अलमारी की तरफ बढ़ा, वहाँ से एक शर्ट उठाकर पहनी, फिर उसकी तरफ मुड़ा जो दोबारा से लेट चुकी थी। आलम शाह उसकी जानिब आया और झुक कर उसकी पेशानी चूमी। मैं जा रहा हूँ, तुम भी उठो और जल्दी से अपनी हालत ठीक करो, अरूश उठने ही वाली होगी तो तुम्हें यूं देखकर परेशान हो जाएगी, वह फिक्र से बोला जबकि आयत ने मुंह फेर लिया और इससे बात नहीं करना चाहती थी। मैं 5 मिनट बाद रूम में आऊँगा और अगर तुम यूं ही लेटी रही तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। आलम शाह ने लहजे में सख्ती पैदा करते हुए कहा और दरवाज़ा बाहर से लॉक करता चला गया। आयत की आंखों से फिर से गर्म शाल बहने लगा। कुछ देर वो आलम शाह का रात का भयानक सलूक याद करके रोती रही, लेकिन फिर उसकी धमकी याद आई तो उठ खड़ी हुई। लाला मजीद कितना वक्त लगेगा हवेली पहुंचने में? अरूश ये सवाल कोई हज़ारवीं दफ़ा पूछ रही थी। क्या करती, सबकी याद ही इतना सता रही थी। आलम शाह उसकी बेसब्री पर मुस्कुरा दिया, बस 15 मिनट लगेंगे और फिर हम हवेली होंगे। आलम शाह ने मोहब्बत से चूल लहजे में कहा और फिर बैक पे मिरर से पीछे बैठी आयत को देखा जो संजीदगी से विंडो के पार देख रही थी। सुबह जब वो रूम से बाहर आई थी तो उसकी सोची आँखें देख कर अरूश ने बहुत सवाल किए थे जिनके जवाब में उसने बस इतना कहा था कि नई जगह होने की वजह से वो सही से नींद नहीं ले सकी। तो आलम शाह ने उसे तंग करते हुए कहा था कि पक्का इसी वजह से नींद नहीं आई ना, तो उसकी आंखों में फिर से आंसू भरते देख आलम शाह ने बात बदल दी थी। सुबह से ही उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, सर में दर्द सा था और जिसम भी तकलीफ़ों से चूर चूर था, बात बात पर रोना आ रहा था। आलम शाह ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात की तो उसने इनकार कर दिया कि बस जल्दी से हवेली पहुँचा जाती है। आलम शाह भी उसकी तबीयत के पेश नज़र खामोश हो गया। फिर वो लोग जब गाड़ी के करीब आया तो उसने कहा कि वो पीछे बैठेगी तो रूश ही आके बैठ गई थी। आलम ने गाड़ी हवेली के पोर्च में रोकी तो वो दोनों जल्दी से अंदर भाग गई। आलम शाह भी मुलाजमा को गाड़ी से सामान निकालकर अंदर लाने का हुक्म देता अंदर की तरफ पड़ा। बीजान इस वक्त सोफे पर बैठी तस्बीह पड़ रही थी और सुबह जब से आलम ने नाहिला और सुमन शाह को बताया था कि वे लोग आ रहे हैं तो वो दोनों तब से किचन में इनके लिए अपने हाथों से खाना बना रही थी। वो दोनों भागकर भी जान के गले लगी तो उन्होंने दोनों को प्यार किया और अपने पास बिठा लिया। तभी आलम शाह भी आकर उनसे मिला और दूसरे सोफे पर टिक गया। वो इस वक्त सियाह शलवार कमीज में मलबूस था, साथ शानों पर बादामी शाल ओढ़ रखी थी और आज पहले की नस्बत ज़्यादा निखरा हुआ लग रहा था। बीजान ने बेसाख्ता माशाल्लाह कहा कि उसे उनकी नज़र ही ना लग जाए। बीजान
मामा चान और ताई चान कहाँ हैं? आयत ने पूछा तो बीजान ने किचन की तरफ इशारा किया। अभी वो उठकर किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि वो दोनों मुस्कुराती हुई इनके पास आई और बारी बारी तीनों को प्यार किया। आयत तो नाइला शाह के गले लगते ही रोने लगी। क्या करती, दुख था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। माँ कल में मिलते ही वो अपना गम हल्का करने लगी। समन शाह, रूश और बीजान भी तेज़ी से उसकी जानी बढ़ी। आलम शाह भी उसकी तरफ मुतवजा हो, क्योंकि वह रो रो कर बिल्कुल बेहोश होने वाली हो गई थी। इतना रोना हमें क्यों नहीं आता जब हम थप्पड़ मारती हैं कि हम बेहोश ही हो जाएं, ताकि थोड़ा तो घर वालों को सुकून हो ना, मतलब थोड़ा उन्हें डरावा हो कि बच्ची भी होश हो जाती है बेइज्जती करने पे। हर वक्त बेइज्जती करते रहते हैं, वैसे जितनी इनकी हो रही है ना, इनको कुछ नहीं हुआ तो सेम हमें भी कुछ नहीं होता। आयत, क्या हो गया तुम्हें मेरी जान, क्यों रोए जा रही हो, बताओ तो सही मेरा बच्चा। नाइला शाह उसकी पीठ से हिलाती बोली, जबकि अरूश भागकर उसके लिए पानी लाई। अभी समझ जाने गिलास उसके लबों से लगाया ही था कि वो होश आवास को थी नाइला शाह के बाहों में झोल गई। चल गई, आलम शाह ने उसे बेहोश होता देखकर आगे बढ़कर उसे नाइला शाह से लिया और अपनी बाहों में उठाकर ऊपर की जाने पड़ा। वो सब भी उसके पीछे भागी। आलम शाह ने उसके कमरे में आकर उसे बेड पर लटाया और उस पर कंबल डालकर पीछे हुआ। मैं ड्राइवर को भेजता हूँ डॉक्टर को बुलाने, आप लोग परेशान ना हो, यूँ ही कमजोरी की वजह से बेहोश होगी होगी, मैंने तसल्ली देते नीचे चला गया। नाइला शाह आयत की तरफ देख कर परेशानी से उसकी पास जा बैठी। पता नहीं किसकी नस्ल लगी है मेरी बच्ची को, कुछ दिन पहले तो ठीक ठाक थी। नाइला शाह उसके हाथ से हिलाती बोली, मुझे तो लगता है इसे HB की कमी हो गई है, ढंग से खाना तो खाती ही नहीं है, इसीलिए कमजोरी की वजह से कुछ दिनों से रोए जा रही है। आलम से कहती हूँ डॉक्टर से इसकी HB चेक करवाएं। कैसा खिलता हुआ गुलाब थी और अब देखो मुरझा गई है। समन शाह भी फिक्र से बोली। आलम कमरे में दाखिल हुआ और अब उनको आई थिंक बाहर जाने का इशारा किया। उन बात पहले लिख दिया, अब बाद में लिख दिया, क्योंकि गरीबी डॉक्टर पहुंच चुका था। वह सब बाहर निकली तो आलम ने आके बैठ कर उसका चेहरा भी कंबल से छुपा दिया, फिर डॉक्टर को अंदर बुलाया। डॉक्टर ने आकर उसकी नब्ज़ चेक की, फिर आलम की तरफ देखा और फिर उसे सही से चेक करने के बाद आलम से मुखातिब हुए। मिस्टर आलम शाह, इन्हें और कुछ नहीं है, बस कोई परेशानी ली है इन्होंने, आप बस इन्हें परेशानियों से दूर रखें और इन्हें काफ़ी कमज़ोरी भी है तो खाने पीने का ख्याल रखें। मैं बस एक ट्रिप लगा देता हूँ, आप वह मंगवा कर मेरे हॉस्पिटल आकर लगवा लीजिएगा, उसे इन्हें ताकत मिलेगी, बस और किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने आलम शाह को सहूलत से समझाया और एक पेपर पर ट्रिप का नाम लिख के बाहर की जानब चले गया। आलम शाह अपनी वजह से उसकी हालत देखकर थोड़ा फिक्रमंद हुआ, लेकिन फिर ये सोच के मुतमिन हो गया कि वह इसकी बीवी है, वो जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। किधर है हमारा जूता? आज सुबह से ही आलम को कुछ ज़रूरी काम था और शाम में से इस्लामाबाद के लिए भी निकलना था। आयत को रात को होश आया था, लेकिन आलम शाह उसके सामने नहीं गया था। नाइला शाह तो अब उसी कमरे में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि रात को वो बहुत डर गई थी। आलम सब औरतों से कहकर गया था कि कुछ देर तक वो वापस आकर आयत को हॉस्पिटल से ड्रिप लगवाने ले जाएगा। तब से वो चारों से समझाने में लगी थी, लेकिन इसे बचपन से इंजेक्शन वगैरह से बहुत डर लगता था। अभी वो अपनी जिद पर अटकी थी कि वो अच्छे से खाए पिएगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ड्रिप नहीं लगवाएगी। आयत, बेटा कुछ भी नहीं होता, एवं कुछ नहीं होता, बारीक सी सुई होती है चंदा, आपको पता भी नहीं चलना और बरनोला लग भी जाना है। अल्लाह माफ करे, झूठ की तरह बोलती हैं औरतें। समन शाह ने उसे प्यार से बहलाते हुए कहा, लेकिन उसने एक ही रट लगाई थी कि नहीं तो बस नहीं। ओके मामा, आप लोग इसे कुछ मत कहें, लाला को आ लेने दें, ज़रा वो खुद इसका दिमाग ठिकाने लगाएंगी, अरूश ने तंग आकर कहा। तो आयत फिर से बीजान की गोद में मुँह छुपा गई। बीजान प्लीज़ आप इन्हें रोकेंगी ना, आयत ने बेबसी और मासूमी से कहा। तो बीजान ने उसके बालों पर प्यार किया। बेटा एक ड्रिप ही है ना, कुछ नहीं होता, लगवा लो, आपके फ़ायदे के लिए लगवा रहे हैं। हालत देखो ज़रा अपनी, कितनी कमज़ोर होगी, वो बिस्तर से तो उठा नहीं जा रहा तुमसे। बीजान ने भी उसे ही समझाया तो वो फिर से दुखी होगी। बेगम साहिबा, आलम साहब आ गए हैं और वो पूछ रहे हैं आयत बीबी को, पहुँच में आयत बीबी को बुला रहे हैं। मुलाजमा ने आकर पैगाम दिया तो आयत को लगा कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं है। आयत, उठो चादर लौट जाओ मेरी जान, आलम इंतज़ार कर रहा होगा, फिर यूं ही गुस्सा हो जाएगा। नाइला शाह ने कहते साथ ही उसे सहारा देकर उठाया, जबकि सुमन शाह ने उसकी अलमारी से स्याह कढ़ाई वाली चादर निकाल कर इसे अच्छे से आयत के गिरद लपेट दिया। आयत भी आंसू पीती नीचे की तरफ बढ़ गई। गाड़ी के पास आकर नाइला शाह ने इसे फ्रंट सीट पर आलम के साथ बिठाया और खुद वापस मुड़ गई। आलम ने भी मुझे से गाड़ी स्टार्ट कर हवेली का गेट पार कर किया। अस्पताल हवेली सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ही था। सारा रास्ता आयत खामोशी सांसों बहाती रही। आलम भी उसे इग्नोर करता रहा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा तवज्जो देता तो फिर वो मजीद जिद्दी हो जाती। आलम ने गाड़ी अस्पताल के बाहर रोकी, फिर उसकी जानेब रुक किया और उसके आंसू से भरी आंखें पहुंची।
खौफ की वजह से आयत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आलम शाह अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकला, फिर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल कर उसकी कमर में हाथ डाला और इसे सहारा देकर बाहर निकाला। आयत खामोशी से उसके साथ चलने लगे। जैसे ही डॉक्टर को पता चला आलम शाह आया है, हाँ बस फिर हॉस्पिटल जमीन के अंदर दब गया और नहीं तो गया। तो उन्होंने फ़ौरन से इसे अपने रूम में बुलाया, उसे आयत का हालचाल पूछा, फिर आगे बढ़कर पैकेट से सिरिंज निकालने लगा तो आयत की आंखों से टिपटिप आंसू बहने लगे। उसने भी साख्ता आलम का बाजू सख्ती से पकड़ लिया। आलम ने उसकी हालत देखी, फिर उसे अपने सांस लगा लिया। कुछ देर यूं ही अपने सीने से लगाए बैठा रहा। जब उसे महसूस हुआ कि आयत खामोश हो चुकी है तो उसने नरमी से आयत को खुद से अलग किया और कब से इंतजार करते डॉक्टर को आगे आने का इशारा किया तो आयत ने शिकवा कना नजरों से उसे देखा। आलम उसे नज़रअंदाज करता उसका हाथ थाम कर डॉक्टर को पकड़ा गया, जबकि आयत अब आंखें भींचे कांप रही थी। डॉक्टर ने जल्दी से वेंस ढूंढकर सिरिंज लगाई और फिर खून रोकने के लिए कॉटन उसके हाथ पर दबाई। आयत को तकलीफ हुई थी लेकिन वो आंखें बंद किए बैठी रही। जब डॉक्टर ने बरनोला लगा लिया तो आलम शाह ने उसका हाथ थामा। आयत ने आंखें खोलकर अपना हाथ देखा, फिर जोर से हाथ खींचकर आलम शाह के हाथ से निकाला और कुर्सी से उठ के खड़ी हुई। आलम भी डॉक्टर को खुदा हाफिज़ बोलकर बाहर निकला। तो ड्रिप वो कितने गई? वो तो वहीं पे नहीं लगती होती, हमें याद है कि हमारी मदर के भी लगी थी, वो एक स्टैंड पे रख के और हाथ में वो ऐसे लगा के ना ये, और उसमें कुछ सुइयां वगैरह, मतलब पता नहीं ऐसे कुछ लगती है, हमारे भी लगी है और लेकिन वही मतलब लेट के लगी जाती है ना, और फिर ये का थोड़ी देर बाद निकालना होता है तो वो नहीं लगनी क्या? वो पानी सी पानी की बोतल होती है ऐसे कुछ वाइट सही होता है उसमें। वापसी का सफ़र भी खामोशी से गुजरा, बस अब आयत रो नहीं रही थी, खामोश थी। आलम शाह ने हवेली पहुँच कर उसके कमरे में लटाया और खुद ड्रिप स्टैंड मंगवा कर बैठ के पास रखा। अच्छा जी, अब लकी नहीं है, आलम भी डॉक्टर है। आलम शाह ने खुद ही इसे ड्रिप लगाई और ड्रिप की स्पीड दुरुस्त करते हुए इसकी तरफ देखा, जो एक हाथ तकिए पर रखे सर नायला शाह की गोद में रखे आँखें मुँधे लेटी थी। आलम ने एक आखिरी नज़र उस पर डाली, फिर सुमन शाह से मुखाते हुआ, जब ड्रिप ख़त्म हो जाए तो आप खुद उतार लीजिएगा, मैंने अरहम आलम का ख़ास मुलाजिम से कहकर अपनी पैकिंग करवा ली थी। अब मैं बस इस्लामाबाद के लिए निकलूंगा और डॉक्टर को मैं कल कॉल कर दूंगा, वो बरनोला उतारने हवेली आ जाएंगे, आप लोग पर्दा करके इसके पास बैठ जाइएगा। आलम शाह ने संजीदगी से उन सबको मुखातिब करते हुए कहा और सबसे मिलकर बाहर बैठ गया, क्योंकि उसकी फ्लाइट का वक्त होने ही वाला था। आज शाह हवेली में जश्न का समा था, क्योंकि आज आलम शाह इलेक्शन जीत चुका था। वो कुछ ही देर में हवेली पहुंचने वाला था। सुमन शाह और नायला शाह ने तो खुशी से शुक्राने के नफल भी अदा किए थे। फिर कुछ दिनों में ये रौनक भी कम हो गई। वैसे पाकिस्तान में कब होने हैं ये इलेक्शन और किसको वोट देने वाले हैं? वैसे आखिर दो तीन दिनों बाद आलम शाह की मसरूफियात ख़त्म हुई और उसने दोबारा से ऑफिस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हवेली में भी अब ये पुरसकून माहौल था, बस आई थी जिसके दिमाग पर अभी भी वही रात सवार थी। अब उसकी तबीयत भी कदर बेहतर हो गई थी। उसे आलम शाह की जीत से खुशी तो हुई लेकिन उसने अपने दिल को खामोश करवा दिया था। अभी रात के 9 बज रहे थे और वह सब डिनर के बाद लाउंज में बैठे थे। तभी भी जहान के जहन में एक ख्याल आया तो उन्होंने खामोश बैठी आयत की तरफ देखा। आयत, अरूश बेटा तुम दोनों जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह नमाज भी पढ़नी है, जल्दी सोगी तो नींद खुलेगी सुबह, चलो शाबाश। और ऐसे हमारी माएँ कहती होती थी जब मतलब हम शादी में जाएँ और वह सारे ऐसे बैठे होते थे, जाओ तुम लोग जाके खेलो, जाओ उधर वो चीज़ पढ़िए खा लो बेचने के लिए। वैसे तो खुद भी शौक नहीं है ऐसे बैठने का, पता नहीं कौन कौन सी बातें लेके बैठ जाती हैं। बीजान ने उन दोनों से कहा तो रूस जैसे मुश्किल से माँ का सेल दस्तयाब हुआ था वो अभी, और अभी उसने इंस्टाग्राम ऑन किया ही था कि बीजान की बात पर मुंह बना कर है कि बीजान सिर्फ हम दोनों ने तो नमाज नहीं पढ़नी ना, वो तो आप लोगों ने भी पढ़नी है, तो आप लोग भी सो जाएं। अरूस सेल सुमन शाह को थमाती हुई बोली तो बीजान से घुई से नवाजा और सुमन शाह ने उसके कंधे पर एक चपेट लगाई तो वो भी आयत के पीछे भाग गई। बीजान एक हंकारा भरा और सबकी तरफ मतवचा हुई। मैं सोच रही हूँ अब आलम का इलेक्शन भी हो गया है तो अब हमें आयत की रुखसती के बारे में सोचना चाहिए। आलम तुम क्या चाहते हो? बीजान ने आलम को मुखातिब किया तो उसने भी इस बात पर सर हिला दिया। बीजान मैं भी आपसे यही बात कहना चाह रहा था, अब आपने कह दिया है तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है, आप लोग तैयारियां शुरू करते हैं। आलम शाह की बात पर नायला शाह की आंखें भरा की लेकिन आयत अभी ठीक नहीं है, उन्होंने बेबसी से बात बनाई तो आलम शाह उनकी तकलीफ समझता उनके पास आया और इन्हें खुद से लगा लिया। चाची आप क्यों परेशान हो रही हैं? बस कमरा ही तो बदलना है आयत का, और यकीन रखें मैं आपकी बेटी पर ज़िंदगी में कभी भी
एक आँच भी नहीं आने दूंगा। और वैसे भी मैं अपनी प्यारी सी चची को यूँ दुखी नहीं देख सकता, तो आप भी सारे गम भूल कर तैयारियाँ शुरू करें। आलम शाह ने मोहब्बत से कहा तो नायला शाह भी नम आंखों से मुस्कुरा दी। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है और जानती हूँ तुमसे बढ़कर आयत का कोई ख्याल नहीं रख सकता। बस यूँ ही उसकी रुखसती का सुनकर दिल भर आया। लेकिन तुम परेशान ना हो, हम कल से ही तैयारियाँ शुरू करेंगे। वैसे अब कोई तारीख भी रख लेते हैं। नायला शाह ने उसकी गाल पर हाथ रख कर कहा तो भी जान भूली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसी महीने की 25 को मेहंदी रख लेते हैं। जैसा कि आज 10 तारीख है तो कल से आयत को मायूं भी बिठा दो, बीजा ने हतमी लहजे में कहा। तो सब मुस्कुरा कर अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। आयत सुबह नमाज पढ़कर दोबारा सो गई थी। अभी वो सोई हुई थी कि नायला शाह ने उसके कमरे में आकर खिड़की से पर्दे हटाया तो सूरज की किरणें उसके आंखों पर पड़ी। आयत ने उलझन से आंखें खोली, लेकिन अपने बेड पर नायला शाह को बैठते देख वो भी उठ बैठी। नायला शाह जिसे देखकर मुस्कुरा रही थी उसे उठता देख उसके पास जा बैठी और उसके चेहरे पर प्यार किया। 25 को तुम्हारी मेहंदी रखती है हमने, उन्होंने आम से लहजे में उसे अगवा किया तो आयत की आंखें हैरत से फट पड़ी। मम्मा आप मजाक करेंगे ना, आयत ने मासूमियत से कहा तो उन्होंने संजीदगी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मेरी जान, में हरगिज़ मजाक नहीं करी। रात को ही बीजान ने हमसे बात की है तो आलम ने भी आज से तैयारियां शुरू करने का कहा है। आज से तुम मायूं बैठोगी। उनकी बात पर आयत उनके सीने से लगती फूट फूट कर रोती। लेकिन मम्मा मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे अपने रूम में आपके साथ रहना है, वो इचकन से रोती हुई बोली। तो उन्होंने अपने दुपट्टे से उसकी आंख पहुँचे। इतना तो हमने किसी नावल में ना वो नहीं देखा जब हीरोइन दूसरे घर जाती है, इतने नावल हमने पढ़े हैं। इतना रोना तो कभी उन पर नहीं देखा। अरे इसने जस्ट कमरा ही करना है, बदलना है तो इतना रो रहे हैं। उन्होंने खुद को भी बड़ी मुश्किल से संभाला। आयत क्या हो गया बेटा, किसी न किसी दिन तो आपने जाना ही है ना, और उसके के बाद भी आलम तो ऑफिस आया करेगा, तो आप अपने कमरे में वक्त गुजार लिया करना। और आलम तो इतना अच्छा है बेटा, देखना आप 2 दिनों में ही उसके साथ सेटल हो जाओगी। नायला शाह ने उसे समझाया, मामा प्लीज़ मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ ना, तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगी। उसे इस कदर रोता देख नायला शाह तो परेशान ही होगी। आयत चुप करो, पहले ही इतनी मुश्किल से ठीक हुई हो, अब मत रो मेरी गुड़िया, फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। नायला शाह ने उसे खुद से जुदा किया और उसकी भीगी आंखें चूमते हुए बोली। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया बुझाया और उसे लेकर बाहर निकली। वो नीचे आई तो सब नाश्ते पर इनका इंतजार कर रहे थे। सुमन शाह ने आयत का सता चेहरा देखा तो समझ गई कि वो फिर से रोई है। आलम क्यों ना हम सब कुछ दिनों के ये शहर वाले बंगले में शिफ्ट हो जाए बेटा, यू शॉपिंग करने में आसानी होगी। अब शादी के लिए इतना कुछ लेना है तो कैसे रोज़ रोज़ शहर के चक्कर लगाएंगे। नायला शाह की बात पर आलम ने एक गहरी नज़र आयत पर डाली जो फिर से रोने की तैयारी कर रही थी। चची जैसा आप लोगों को बेहतर लगे, उसने संजीदगी से जवाब दिया तो आयत ने अपना कब से झुका सर उठाया। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आप लोगों को जाना है तो बेशक चले जाएँ, मैं अकेली यहीं रह लूँगी, आयत चीखते हुए बोली। तो सबने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। नायला हो क्या गया इसे, अजीब चिड़चिड़ापन आ गया इसके मिजाज में, बात बात पर रोना चलाना, ऐसी तो नहीं थी ये। बीजान ज़रा गुस्से से बोली तो समन शानी ने खामोश रहने का इशारा किया, जबकि आयत अब दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। मुझे नहीं जाना कहीं, नहीं करनी मुझे अभी शादी। क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, कहाँ फंस गई हूँ मैं। वो कुर्सी धकेलती खड़ी होती चलाई तो आलम शाह भी गुस्से से उठा। ये तमाशा क्या लगा रखा है तुमने, हाँ हर बात पर बदतमीज़ी, हर बात पर ढिटाई। तुम कोई पहली लड़की नहीं हो जिसकी शादी हो रही है, लड़कियाँ तो शादी करके गैर मुल्क भी चली जाती हैं, जाएँ तो भी इतना शोर नहीं करती। सही बात है, जितना शोर तुम सिर्फ़ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर कर रही हो। अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो ज़ुबान गद्दी से खींच लूँगा। बीजान किसी तैयारी की जरूरत नहीं है मुझे अभी, और इसी वक्त इसकी रुखसती चाहिए। बहुत पर निकल आए हैं ना इसके, तो बेहतर अभी काट दूँ। वो इतनी ज़ोर से बोला था कि सबको अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए, जबकि आए तो उसकी आखिरी बात पर बेबसी से रोने लगी। आखिर सुमन शाह ने आगे बढ़कर इसे कुर्सी पर बिठाया, इसके सर पर पानी डालो ही ज़्यादा गुस्सा करता है, और झुककर इसे प्यार किया। उस वक्त शिद्दत से रोती कोई जहनी मरीज ही लग रही थी, लेकिन आलम शाह उसकी हालत को भी कोई हालत का भी कोई असर न हुआ। मामा छोड़ें आप इसे, इसके ड्रामे तो चलते ही रहेंगे। आलम शाह ने आगे बढ़कर उसे बाजू में उठाया और समन शाह को कहते साथ ही रोती मज़ाहमत करती आयत को लेकर ऊपर अपने कमरे की जानी पड़ा। मुझे वो पीछे वो चारों अरे अरे ही करती रहेगी। नायला शाह से तो आयत की हालत ही नहीं देखी जा रही थी, लेकिन वह फ़िलहाल खामोशी रही क्योंकि इन्हें भी तो कोई और हल नहीं दिख रहा था। वह जानती थी आलम उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसे तकलीफ़ भी देगा। हैं देगा, मोहब्बत करता है तकलीफ़ देगा। हमने आज रावल पता है कौन सा पढ़ा है, मोहब्बत में जान दे दी उस शख्स ने, इश्क में जान दे दी, और हमारे जहन से दो फिक्रे नहीं निकल रहे। एक तो ये पहला शेर है जॉन साहब का शेर है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था ज़माने में क्या। और एक वो नावल की लाइन, उसने कहा था वो मर जाएगा और वो मर गया, जाजुब कमाल वो मर गया, जाजुब कमाल मर गया। बस
यही लाइन नहीं निकली, हम कभी किसी नावल पे नहीं रोए, जितना मर्जी हो जाए हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, बाकायदा कभी किसी वीडियो में नहीं रोए, हम जब भी सोचते हैं ना हमें बस हम चुप ही हो जाते हैं। उफ अल्लाह जी क्यों मार दिया तुमने इसको जालिम लड़की। ओके जी आगे पढ़ लेते हैं हम। इधर आलम शाह ने उसे अपने कमरे में लाकर बेड पर भटका, वापस मुड़कर दरवाज़ा लो किया, आयत रोती हुई तकिए में मुँह छुपा गई, जबकि मगर आलम उसे इसके हाल पर छोटा अलमारी से अपने कपड़े लेता वाशरूम में घुस गया, वो शावर लेता शर्ट लेस बाहर आया, आज को अभी तक रोना रोता देख वो इसकी तरफ बढ़ा, आलम बेड पर उसके पास लेटा और एक हाथ बढ़ाकर उसे अपनी जानब खींच लिया, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग माई लव। नीचे यही बकवास कर देते सीधे मुंह तो ऐसा तो ना होता, वैसे खुद में छुपाता मोहब्बत से चूल हैचे में बोला, लेकिन आयत ने उसे खुद से अलग करने की कोशिश की तो आलम शाह ने मुस्करा कर अपनी गिरफ्त तंग की, अब सॉरी का क्या फ़ायदा, अब तो आपने जो करना था कर लिया आलम शाह, आपने मुझे बर्बाद कर दिया है आलम, मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा आपने, वो मजाहमत करती हुई बेबसी से चीखी तो आलम शाह ने उसे सख्ती से जकड़ा, हाँ मेरी आयत पर इतना गुस्सा सूट नहीं करता यार, वैसे आज मेरा लड़ाई करके अपनी स्पेशल मोमेंट्स को ज़ाहिर करने का कोई इरादा नहीं है, तो तुम भी ये फजूल के गिले शिकवे छोड़ो और मेरा साथ हो, आलम शाह ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा तो आयत ने नाराज़गी की बेबसी से उसे देखा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अगर आज भी आपने मेरी बात ना मानी तो सच में मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, आयत ने उसे अपनी धमकी से डराना चाहा तो आलम शाह ने कहका लगाया, बात की बात में देखी जाएगी, फिलहाल तुम बाकी मुझसे कोई बात ना करो, आलम शाह ने से तंग करते हुए कहा तो आयत ने बुरा सा मुंह बनाया, देखिए मैं कितनी अच्छी हूँ, आप कितना डांटने के बावजूद आपसे नाराज़गी ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन एक आप हैं जो कभी मेरी कोई बात नहीं मानते, वो दुखी लहजे में बोली, लेकिन आलम शाह ने बगैर कोई जवाब दिए इस पर झुक गया, उसने आयत के हाथों को अपने हाथ में लॉक किया, आयत ने रहम तलब नज़रों से उसकी आंखों में देखा, लेकिन वो आलम शाह उसकी खूबसूरती में बहका हुआ आलम शाह लग रहा था, उसकी जज्बे लौटाती नज़रों से घबरा कर आयत ने अपनी आंखें झुका ली, आलम शाह उसकी हरकत पर मुस्कराया, फिर उसकी आंखों को लबों से चुमा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ फड़ने लगा, आज उसके लिए उस पर नरमी थी जिसे महसूस करके आयत ने भी अपनी बेजर सी मुजाहमत तरक करते इसे अपना आप सौंप दिया, आलम शाह ने इसके नाजुक वजूद को खुद में समेट लिया और आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा, आखिर जब सुबह के 5:30 बजे तो आयत ने नींद से बंद होती आंखों से उसे देखा, उसने बेचारगी से आलम शाह का हाथ अपने कंधों में अपने हाथों में लेते हुए कहा, आलम भी उसे रोने की तैयारी करते देख उस पर रहम खाता एक तरफ लेट गया और उसे भी अपनी बाहों में भर लिया, आयत शर्माई लजाई से उसके सीने में चेहरा छुपा गई, आलम ने उसकी पेशानी पर अपनी मोहर सबत करते दोनों पर कंबल ठीक किया और मुतमईन होता आंखें मोड़ गया, आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत से आयत को आयत की नाराज़गी भुला ही दी थी, सुबह 10 बजे आलम की आंख खुली तो उसने चाहत से आयत की तरफ देखा जो एक हाथ चेहरे के नीचे रखे उसकी तरफ करवट लिए हुए गहरी नींद में सोई हुई थी, आयत मेरी जान उठो नीचे चलें, आलम शाह ने उसकी गाल थपथपाते हुए कहा तो आयत ने कसम साकर आंखें खोल कर उसे देखा, सोने देना थोड़ी देर मुझे अभी बहुत नींद आई है, बोलते जाइए लहजे में बोली तो आलम शाह ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा, मेरे ऑफिस जाने के बाद अपनी नींद पूरी कर लेना आयत, चलो शाबाश अभी उठो नीचे सब इंतज़ार करें होंगे ना मेरी ज़िंदगी, आलम ने उसे समझाते हुए कहा तो आयत ने शर्मा कर उसे देखा, पहले आप कमरे से जाएं, वो अपनी हालत के पेश नज़र बोली तो आलम शाह ने मायने खेजी से उसके वजूद को गहरी नज़रों से देखा, ओके एक किस करो फिर ही जाऊँगा, बस संजीदा होता बोला तो आयत ने हैरान को नज़रों से उसकी तरफ देखा, ये क्या बात हुई भला, मैं हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं कर रही, वो बुखलाए हुए बोली तो आलम शाह ने उसे घूरा, फिर वो कुछ कहता कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, आलम ने पीछे होते दरवाजे की तरफ देखा, कौन, आलम बेटा मैं हूँ, समन शाह ने कहा तो आलम ने आयत को वाशरूम जाने का इशारा किया और खुद शर्ट लेस ही जाकर दरवाज़ा खोला, समन शाह इसे बगैर शर्ट के देखकर सारा मामला समझकर मुस्कुराई, आयत का है तबीयत तो ठीक है ना इसकी, उसके सवाल पर आलम ने उनकी तरफ देखा, जी मम्मा वो ठीक है बिल्कुल और अभी वाशरूम गई है शावल लेने, आलम शाह ने संजीदगी से जवाब दिया तो समन शाह उसे नाश्ते पर आने का कहती नीचे चली गई, वो लोग कब से उनका इंतजार कर रहे थे, आखिर भिजा ने तंग आकर दोबारा मुलाजमा को इन्हें बुलाने भेजा ही था कि दोनों नीचे उतरते देखे, आलम शाह के पहलू में शर्माई सी आयत चेहरा झुकाकर उनकी तरफ ही आ रही थी, वो करीब आई और सबसे मिलकर नाहिला के साथ वाली कुर्सी पर बैठने लगी थी कि आलम ने उसका हाथ थामकर अपने साथ बिठाया तो वह शर्म से सुरख पड़ती नजरें जमीन पर जमा कि उसका यूं शर्माना हिचकिचाना सब पर साफ जाहिर कर रहा था कि उनके बीच सब ठीक है, आयत ने बैठते तो साथ ही सबसे अपने रवैये की माफ़ी मांगी थी, सबने खुश दिली से उसे माफ़ कर दिया और हल्की फुल्की बातें करते नाश्ता करने लगे, 2 माह बाद सुबह आलम की आंख खुली तो आयत उसके पहलू में नहीं थी, आलम भी उसे मौजूद ना पाकर उठ बैठा, तब उसकी नज़र वाशरूम के खुले दरवाजे पर पड़ी,
सामने ही आए बेसन पर झुकी हुई वोमिट कर रही थी। आलम शाह उसकी हालत देखता तेजी से वॉशरूम की तरफ गया। इतने मुंह टोलिए से पहुंचा और पीछे मुड़ी ही थी कि उसे जोरदार चकराया। वह चीख मारती हुई नीचे गिरने ही लगी थी कि आलम शाह ने तेजी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थामा। क्या हो गया मेरी जान, आराम से। अभी वो मजीद कुछ कहता कि आयत उसके सीने पर सर टकाती फूट फूट कर रोने लगी। आलम, मैं सुबह से वोमिट कर रही हूँ, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, उसने रोते हुए से अपनी हालत के बारे में बताया। आलम शाह उसे बाहों में उठाकर सोफे पर लाया। चुप, बस उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, आलम फिक्रमंदी से बोला, मगर आयत ने रोते हुए नफी में सरहलाया। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे डर लगता है। उसकी बात पर आलम ने अफसोस से उसे देखा। फिर नाइला शाह को कॉल करके उसकी हालत का बताते ऊपर बुलाया तो वह सब जल्दी से उनके रूम में दाखिल हुई। समन शाह और नाइला शाह आयत को रोता देख उसे चुप करवाने लगी। तभी आलम ने ड्राइवर को कॉल मिलाई। आमर जल्दी से करीबी अस्पताल से किसी लेडी डॉक्टर को ले आओ फौरन। उसने फ़ोन टेबल पर रखकर आयत पर नज़र डाली तो उसने शिकवा करना नज़रों से आलम को देखा। आलम ने उसे घूरी से नवासा। अभी आयत ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि इसका जी मतलाया तो वह फ़ौरन उठकर दोबारा वॉशरूम में भागी। बीजान को तो उसकी हालत साफ समझ आ रही थी लेकिन अभी खामोश रही। कुछ ही देर में मुलाजमा डॉक्टर को लाई तो उन्होंने इन सबको बाहर जाने का कहा और खुद इसका तफसीली चेकअप किया। 10 मिनट बाद डॉक्टर बाहर निकली और इन सबको बेचैनी से खड़े देख मुस्कुराई। आप सबको मुबारक हो, आयत प्रेगनेंट है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, कुछ दिन देते रहें, यूँ इन्हें प्रेगनेंसी में ज़्यादा मसला नहीं होगा। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। डॉक्टर तो आलम के हाथ में पर्ची पकड़ाती चली गई। पीछे वो सब आयत के पास आ गई तो आलम भी अपने कमरे में आया जहाँ आयत तब भी लाइलम पड़ी थी। क्या कहा डॉक्टर ने, आयत ने परेशानी से सवाल किया तो रूझ भाग कर उसके गले लगी जबकि आलम शाह खामोशी से सोफे पर बैठ गया। थैंक यू आयत यार, तुम मुझे इतनी जल्दी फूफो बनाने वाली हो, इसने मोहब्बत से कहा तो आयत को हैरत से उछू लगा। नाइला शाह ने आगे बढ़कर उसकी पीठ से हिलाई। क्या मतलब है तुम्हारी बात का, आयत ने ना समझी से दोबारा पूछा तो इस दफ़ा बीजान खुशी से उससे मुखातिब हुई। आयत मेरी बच्ची, अल्लाह के करम से तुम उम्मीद से हो। बीजान की बात पर आयत को ढेरों शर्म ने आन घेरा। वो धीमा सा मुस्कुराती हुई सर झुका की जबकि चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा था। आलम शाह तो इस मंजर पर एक बार फिर से दिल हार बैठा। बाकी सब भी उसे शर्माते देख उसे प्यार करती दुआएँ देती बाहर निकली तो आयत का दिल किया उनके साथ भाग निकले। लेकिन आलम शाह को अपनी तरफ बढ़ता देख वो जल्दी से खुद को कंबल में छुपा गई। आलम शाह उसकी मासूमाना हरकत पर दिल से मुस्कुराया और आगे बढ़कर उसे कंबल खींचकर अलग किया तो आयत आंखें सख्ती से मीच की। आंखें खोलो आयत, मैं तुम्हारी आंखों में वो खुशी के रंग देखना चाहता हूँ जिस वक्त तुम छुपा रही हो, वो संजीदा सा बोला तो आयत ने आंखें खोलकर उसे देखा। लेकिन शर्म की वजह से आंखें झुका गई तो आलम ने झुककर उसकी आंखें चूमी, फिर उसके दोनों रुखसारों पर दांत काढ़े और नरमी से उसके लब छूकर पीछे हुआ तो आयत शर्मा आकर चेहरा हाथों में छुपा गई। क्या करें आलम, आयत बामुश्किल बोली तो आलम शाह ने उसे संजीदगी से देखा। अब मेरी कुछ बातें कान खोल कर सुन लो, आइंदा तुम ना उछलो कूदोगी ना ही तेज़ी से स्टेयर्स उतरोगी, अपना बहुत ख्याल रखोगी और किसी भी वक्त का खाना तो हरगिज़ स्किप नहीं करना तुमने, नहीं तो मुझे तुम जानती हो। आलम शाह ने सख्ती से नसीहतें की तो आयत ने जल्दी से इस बात पर सरलाया, लेकिन आप ही प्रॉमिस करें आइंदा मुझे बिलवजह सबके सामने नहीं डांटेंगे। आयत ने तेज़ी से अपनी शर्ट बताई तो आलम भी मुस्कुरा दिया। मैं भी तुम्हें बिलवजह नहीं डांटूंगा, लेकिन अगर तुमने दोबारा से कोई गलती की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आलम ने उसे तनबिया करते हुए कहा और उसका हाथ पकड़ कर बेड से उठाया। चलो कुछ देर नीचे बैठ जाओ सबके साथ, आलम ने उसे सहारा दिया। दोनों नीचे आए। बीजान तो मुलाजमीन से मिठाइयाँ बंटवाने के मतलब बात कर रही थी। अरूज शायद अपने रूम में थी जबकि सुमन शाह नाइला शाह से सोफे पर बैठी बातें कर रही थी। उन दोनों को आता देख मुस्कुराई तो आयत भी आराम से चलती हुई उनके दरमियान जा बैठी। अब तबीयत कैसी है मेरी बेटी की, सुमन शाह ने प्यार से उसे देख कर कहा। ताई अब बेहतर हूँ, उसके बाद वॉमिट भी नहीं हुई, उसने इन्हें तसल्ली से बताया। तभी सुमन शाह कुछ याद आने पर आलम की जाने मुड़ी जो दूसरे सोफे पर सेल कान से लगाए बैठा किसी से बात कर रहा था। उसकी कॉल खत्म होती ही सुमन शाह ने उसे मुखातिब किया। आलम बेटा, ज़रार कुछ दिनों के लिए हवेली आ रहा है, शाइस्ता का दिल है कि वो भी अब बिजनेस संभाले तो मैंने कह दिया उसे यहाँ भेज दो। आलम उसे कुछ दिन अपने ऑफिस ले जाएगा, ऑफिस तो वो भी बिजनेस से वाकिफ हो जाएगा, इसलिए शाम को पहुँच रहा है। सुमन शाह ने अपने भांजे और बहन का जिक्र किया जो सहवाल के अपोजिट थे। मम्मा क्या ज़रूरत थी, आपको पता भी है मेरी मसरूफियत का, और ज़रार तो मुझे पहले ही नहीं पसंद, आलम ने कोफत से कहा तो सुमन शाह ने इसे घूरा। क्यों नहीं पसंद वो आपको, आलम बेटा वो आ रहा है ना, अब तो आप भी उसका ख्याल रखना, बच्चा पहली दफ़ा वेली आ रहा है, सुमन शाह ने इसे समझाया तो आलम इस बात में सर हिलाता उठा। जी बेहतर, मैं आराम से कह देता हूँ वो मर्दान खाने में कमरा सेट करवा दे। आलम की बात पर सुमन शाह ने सर रुका। आलम क्या हो गया आपको, ज़रार घर का बच्चा है, वो क्यों रहने लगा मर्दान खाने, और वैसे भी मैंने हवेली में ही उसका कमरा सेट करवा दिया है। आलम को अचानक गुस्सा आया, वो कैसे रह सकता है हवेली,
आपके अलावा वो यहाँ सबके लिए गैर महरम है, तो बेहतर है वो मर्दान खाने में ही रहे। आलम सख्ती से बोला तो बीजान उसकी तरफ त्वचा हुई, कैसी बातें कर रहे हो तुम आलम, क्या हो गया जो बच्चा कुछ दिनों के लिए वेली रह ले, वो कोई गैर तो नहीं है। अब मैं तुम्हें ये बात कहते ना सुनूँ, बीजान ने उसे टोका तो आलम कब से खामोश बैठी आयत की देर को देखता मजीद बरम हुआ। चलें जो दिल में है आप लोग वही करें, मेरी तो यहाँ सुननी किसी ने नहीं है, लेकिन तुम मुझसे पर्दा करोगी। अगर उसने तुम्हारा चेहरा एक दफ़ा भी देखा ना तो उसकी आंखें निकालने से पहले तुम्हारा चेहरा तन से उखाड़ दूंगा, तो ख्याल रखना इसके सर पे कोई चीज़ मारो। वो आखिर में आयत पर चलाया तो आयत ने खौफ से नज़रों से उसे देखा। अभी कुछ देर पहले इसने वादा किया था कि वो आयत को बिलावजह नहीं डांटेगा, लेकिन उसने अब बाहर आते ही अपना वादा तोड़ दिया। जी मैं ख्याल रखूंगी, उसने घबरा कर जवाब दिया और वापस बैठी नाइला शाह के कंधे में चेहरा छुपाया जबकि आंखें आंसू से भर चुकी थी। आलम शाह गुस्से से यूं ही छोड़ता बाहर निकला था। उसके बाहर जाते ही आयत ने कब की रुकी हुई सस की ली तो सुमन शाह ने दुख से देखा जिस बेचारे पर आलम शाह ने अपना गुस्सा निकाला था। कल हमारा एक रिकॉर्ड भी टूट गया, हमने बहुत पहले हमारी ना एक रीडर थी जो नावल रीड करती थी, हमारी एक साथी वो रो पड़ी थी नावल में, नावल का एंड सैड हो गए, कुछ एक करेक्टर मर गया होगा, तो हमने कहा, हमें किसी ने कहा कैसे रो रही है, हमने कहा कि हम नहीं रोते। और कल पता नहीं उस लड़की को कैसे याद था, एक रीडर ने हमें कमेंट किया आपने पहले बहुत पहले कहा था आप नहीं रोती लेकिन आप रो रही हैं। दिया जहरा ने हमें फंसा दिया था, अब क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं था वो मर जाएगा। अब भी हम कोई सैड सॉन्ग सुने ना हम फ़ौरन से स्किप करते थे, हमारे जहन में आता है वो मर जाएगा। और दिया धारा को रीडर्स ने भी खासा डिस्टर्ब किया। देखिए एक राइटर होती है ना उनसे काफ़ी कुछ मिस हो जाता है, बड़ी से बड़ी राइटर को भी आप उठा लें, मतलब उनकी ना नॉवेल्स को उठा लें जो बहुत ज़्यादा मतलब लिखते हैं, उन्हें काफ़ी अर्सा हो चुका है ना, वो नावल ही उठाना जो उनका फर्स्ट नावल्स थे ना वो वाले उठाने हैं, उन्होंने उस पर कोई गलती लाश भी की होगी। हो जाता है, इंसान है, मशीन थोड़ी है जिसके अंदर फिट कर दिया और बस हो गया। ऐसे हमें कंफर्म नहीं है, 50-50 है। निम्र अहमद का एक नावल था जन्नत के पत्ते, उसमें ना जो हीरो था ना वो बात करता है हीरोइन से 2 घंटे कॉल पे लगातार, हालांकि हम सबको पता है कि कॉल 1 घंटा चले ना तो कट जाती है पैकेज, मतलब ऐसा लगा होता ना अक्सर मदर बात करती हैं तो ऐसे वो कट जाती है कॉल 1 घंटा चलने के बाद तुम्हें भी, तो ऐसे हमें 50-50 है इसका कंफर्म नहीं पता था वो 2 घंटे कैसे बात कर रहा था, ये तो बाद में पॉइंट उठाया गया, लेकिन वो एक इंसान है, इंसान से गलती होती है। उधर जब दिया जाना नॉवल लिखा तो काफ़ी कुछ एक्सप्लेन था, मतलब उन्होंने काफ़ी कर दिया। अब हमारे अपने दिमाग पे भी होता है, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपने दिमाग से लिखा, हमने अपने दिमाग से सोचना है, हमने फिर भी साथ साथ एक्सप्लेन करते रहे थे, लेकिन जो रीडर्स हैं उनको ज़्यादा। एक तो ये मसला हुआ कि ना जो एंड था ना उनके मंशा के मुताबिक नहीं हुआ, तो उनका मसला। एक छोटा सा सीन है जो हमें पता है कि वो रह गया तो अच्छा नहीं लगा नावल, मतलब उस सीन के मुताबिक ना थोड़ा सा और होता, जब कयान पुलिस को लेके आया तो कयान का भी सीन दिखाना चाहिए था जादू के मन्ने पर, उसका क्या रिएक्शन था वो नहीं उनसे लिखा गया, तो ज़ाहिर सी बात है उनका ये सेकंड नावल है, वो सीखेंगी वो लिखेंगी। आप ऐसा मतलब तनकीद करते ना तो अच्छे लफ्ज़ों में करें, ऐसे ही ना करें कि अगला बंदा लिखना ही छोड़ दे, ऐसे अच्छा नहीं होता। पता है जब हम कोई आपसे कहे कि आप लेफ्ट चलें और आप राइट पे चलने लगें तो देखना फ़ौरन वो कहेगा ये तो पागल है, पता नहीं किस रास्ते पर निकल गया, इसके कदम नहीं ठीक है, वो मतलब वो आपको टोकेगा। क्योंकि क्यों टोकेगा, क्योंकि उसने कहा था लेफ्ट चलें और आप राइट चल रहे हैं, मतलब उसके कहे कि ओपोजिट चल रहे हैं आप, इसलिए वो आपको टोकेगा। लेकिन ये आम सी लड़की, आप खुद को मुतमईन रखें, दुनिया के लिए दुनिया ही काफ़ी है। आगे पढ़ते हैं। खैर जो भी नावल है ना आप तमीज़ के दायरे में रह के तनकीद किया करें, बताया करें, हम इंसान हैं, इंसान पढ़े लिखे, हम जाहिल नहीं हैं। आपके लफाज ये शो करवाते हैं कि आप जाहिल हैं कि नहीं हैं। ओके जी, आयत कुछ नहीं होता बेटा, खुद को थोड़ा मजबूत करो, शोहर तो वीवी को डांट दिया करते हैं लेकिन इस तरह रोया तो नहीं जाता ना मेरी जान, चलो अपना नहीं तो अपने वजूद में पलती छोटी सी जान का ही सोच लो। नायला शाह ने उसे एहसास लाया तो आयत ने दोबारा से सिसकी ली, मम्मा वो हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, आज तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। रोती हुई बोली तो सुमन शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आयत बस अब मैं तुम्हें रोता ना देखूं, ये क्या बात हुई भला, यूँ तुम रोती रही तो बच्चे पर असर होगा, और आलम को आने दो मैं उससे बात करती हूँ, मेरी बेटी से आराम से बात किया करें। सुमन शाह ने उसे तसल्ली दी और कुछ किचन में उसके लिए जूस लेने गई, पीछे नायला शाह और बीजान ने उसे संभाला। उसे अरूश
अभी कुछ देर पहले कमरे में छोड़ गई थी, जबकि उसकी जिद थी उसे अपने पुराने कमरे में जाना है। लेकिन नायला ने उसे हल्का सा डांटा था कि थोड़ी सी बात पर इतना तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आंसू बहाते कमरे में आ गई। बेशक आलम शाह ने उसे सिर्फ एक बात कही थी, लेकिन उसका लहजा सोच के दुखी हो रही थी। आज तो उसकी कोई गलती नहीं थी, आलम ने यूं ही उसे डांट दिया। आयद को लगा था उसने आज इसे इतनी बड़ी खुशी दी है तो वो उसे कुछ नहीं कहेगा। अभी वो सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुला और वो संजीदा सा चेहरा अंदर दाखिल हुआ। आयद को इग्नोर किए वो अलमारी की तरफ गया और अपनी कोई फाइल ढूंढने लगा। आयद जिसे लगा था उसे मनाने आया है, उसकी हरकत पर बेवास रोने लगी। आलम जानता था उसे आयद से यूं बात नहीं करनी चाहिए थी, वो अभी हालत में तो हरगिज़ नहीं। वो यही बात उसे आराम से भी समझा सकता था, लेकिन उसे अपना गुस्सा भी तो किसी पर निकालना था ना। मगर आयद को फिर से रोता देख वो फाइल को तर्क करता उसकी जानी भाया। गुस्सा निकालने के लिए वो कोई बदतमीज आहिस्ता से उसके पास बैठकर उसे अपने सीने में भीजा तो आयद खामोश होती उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। आलम ने उसकी आंखें साफ़ किया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था आयद, बस पता नहीं क्यों गुस्सा आया तो तुम पर निकाल दिया। आई एम रियली सॉरी मेरी जान, आलम ने बोझे लहजे में कहा तो आयद भी उसकी फिक्र देखती पिछली बात भूल गई। अच्छा ना, अब आप यूं भी मत कहें, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा आलम, आपने मुझे क्यों डांटा। आयद की बात पर आलम ने संजीदगी से खुद से अलग किया। मुझे यूं जरार का यहाँ रहना मुनासिब नहीं लग रहा, जो भी हो वो तुम्हारे लिए गैर है तो तुम उसके सामने हरगिज़ नहीं जाओगे, और अगर जाना भी पड़ा तो चेहरा ढांप कर जाना, मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी बीवी को देखे। खैर ये बताओ मेरा बेबी तंग नहीं कर रहा मेरी मासूम सी जान को। आलम शाह ने अब पहले उसे संजीदगी से समझाया, लेकिन फिर शरारत से उसके पेट पर हाथ रखते हुए आखिरी बात की तो आयद शर्मा थी। सिर्फ आपका नहीं, ये मेरा भी तो बेबी है ना, आयद ने नाराज़गी से मुंह फैलाकर कहा तो आलम शाह को उस पर शिद्दत से प्यार आया। जी जी तुम्हारा भी है, आलम उसकी गाल पर लबरकता बोला तो आयद शर्मा कर टके में मुँह छुपा गई। आलम भी लैम्पन करता उसके पास लेटा, पाँव उसे कंबल खींचकर दोनों पर ठीक किया और आयद को अपनी बाहों में लिया। वैसे तो मुझसे इतना डरती क्यों हो, जब भी मैं गुस्से से देखूं रोना शुरू कर देती हूँ, आलम ने प्यार से पूछा। मुझे आपका गुस्सा देखा नहीं जाता, मुझे डर लगता है आपसे बहुत, आप गुस्से में सब भूल जाते हैं और मुझे इतना ज़्यादा डांटते भी हैं। आयद ने शिकवा किया तो आलम से खुद में मजीद पीछ गया। मैं सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे के लिए डांटता हूँ आयद, लेकिन अब कोशिश करूँगा ना डांटूँ। चलो अब खामोश हो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो, आलम ने कहते साथ उसके लब अपने लबों में लिए और अपने हाथ उसकी कमर पर ले जाकर उसकी कुर्ती की जिप खोली। आयद ने उसके हाथ पकड़ना चाहे, अब खुद ही रीड कर लें, हमने पहले भी कहा था हम नावल रोमांटिक रीड कर सकते हैं, इमोशनमेंटिक रीड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नावल नहीं रीड करते, बोल नावल नहीं रीड करते हम, बहुत पहले कहा था। और एक पता नहीं ये कहाँ से हमारे घर में सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब गली में भी पता नहीं क्या ले लो और फिर सारे इकट्ठे होकर बोलना शुरू कर देते हैं, मुसीबत है। खैर ऐसा नहीं बोलते, रिलैक्स पढ़ लिया आप लोगों ने। एक्चुअली ना हम रोमांटिक नावल रीड कर सकते हैं जो मोस्ट रोमांटिक होते हैं ना, जिस पे मतलब रोमांटिक तो होते हैं लेकिन वर्ड्स मायने रखता है, हमने पहले भी कहा था लफ्ज़ मायने रखते हैं, आपने किस अंदाज़ में लिखा है वो मायने रखता है। आपने लिखा रोमांटिक हो लेकिन आपके लफ्ज़ ठीक ना हो ना तो वो बोल्ड हो जाता है, और बोल्ड हम रीड नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। आखिर शाम के 7 बजे आलम ने आयद को खुद से अलग किया तो आयद नाराज़गी दिखाती चेहरा फेर गई। आलम आंखें मूंद गया तो आयद भी सोने की कोशिश करने लगी। जब आलम को उसकी गहरी सांसें महसूस हुई तो उसने आंखें खोली और आयद को सीधा करके लटाया। तभी उसका फ़ोन बजने लगा तो उसने अटेंड करके कॉल से लगाया। अरहम था जो इसे जरार के पहुँच जाने की इतला दे रहा था। उसने बात करके सैल एक तरफ रखा और आयद के कपड़े उठाकर उसे पहनाए। जब उसका होलिया ठीक कर लिया तो उसका माथा चूमता शावल लेता बाहर की तरफ फटा। वो लाउंज में आया तो सब जरार से मिल चुके थे, वो भी आगे बढ़कर उसके गले मिला फिर उसके साथ बैठ गया। सब हल्की फुल्की बातें करने लगे। जरार ने उसे आयद के प्रेग्नेंट होने की मुबारक भी दी। जरार आज तक आयद से नहीं मिला था क्योंकि बहुत पहले समन शाह अपने बच्चों के साथ खुद ही उनके यहाँ जाती थी, कभी वो यहाँ नहीं आए थे। अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे मुझे, वो मुस्करा कर बोला तो आलम शाह को गुस्सा आया। चलो ओ भाई क्या कहे तुम्हें, ठीक है तुम्हारी बात ठीक है, नामहरम वाली बात ठीक है, लेकिन इतनी हद तक भी नहीं ठीक है। एक इंसान का लहजा ये वो सारा कुछ होता है, हम दुनिया में रहते हैं और हमें सबसे बात करनी पड़ती है। नहीं मैं उसे मर्दों से नहीं मिलवाया करता, और वैसे भी तुम यहाँ काम से आए हो ना कि किसी से मिलने मिलाने, तो बेहतर होगा कल से मेरे साथ ऑफिस चलो और सब कुछ समझकर अपने बिजनेस को संभालो, आलम सख्ती से बोला तो समन शाह ने उसे घूरा। जबकि जरार उसके लहजे पर खामोश रहा। समन शाह ने उसे आराम करने उसके कमरे में भेजा और आलम भी किसी काम से बाहर निकल गया। शाम का वक्त था, रूश अपने किसी काम में मसरूफ थी जबकि आलम शाह भी अभी तक ऑफिस से नहीं लौटा था। बलौन में नंगे पाँव वॉक कर रही थी कि तभी सामने गेट से जरार लॉन की तरफ आता दिखाई दिया। आयद ने फौरन अपना चेहरा इधर तो रूश लिखा है ऊपर दुपट्टे के बल्लू से ढका और उससे रुख फेर कर खड़ी हो गई। जरा
सॉरी जरार कमीनगी से मुस्कुराता उसकी तरफ आया। उफ यार भाभी, इतना भी क्या शर्माना, जरा इधर तो देखें, मैं भी तो देखूं आलम शाह ने कौन सा खजाना लूटा है। ओके ये क्या कहते हैं, आयत का ही जिक्र है, वो बदतमीजी से बोला तो आयत पीछे मुड़ी और अंदर की तरफ भागने लगी थी कि जरार ने उसका हाथ पकड़ा, उसे खींच कर अपने करीब किया तो आयत खौफ से फड़फड़ाने लगी। है आ क्या हो गया, एकदम जज्बात बदल गए। हमें तो लगा था ये अच्छा होगा और अरुष के लिए होगा, रुबना अरुष की शादी हो जाएगी इसके साथ, लेकिन ये तो जी भी निकला लोफर कहीं का, सही कर रहा था। लेकिन फिर हम भी गलत नहीं थे, हमें तो पता था ये ऐसा होगा। अरे यार इतनी भी क्या चलती है, दीदार तो कराती जाऊँ, वो खबासत से उसे देखता बोला, फिर अचानक उसका दुपट्टा खींचकर उसे लग गया तो आयत का दिल किया जमीन फटे और उसमें सुहा जाए। जरार भाई ये क्या करें आप, प्लीज़ मेरा दुपट्टा वापस करें, वह हिम्मत करती बोली, जबकि जरार तो उसके खूबसूरत चेहरे और सरापे में खो चुका था। आज समझ आया खला जान अम्मी को क्यों कहती थी आलम की बीवी बहुत खूबसूरत है, वो कहता उसके बाजू छोड़ के कमर में हाथ डालने ही लगा था कि अंदर से अरूश आयत को पुकारती बाहर आई, वह जल्दी से उसे दूर उठा और दुपट्टा उसकी तरफ उछाला तो आयत ने दुपट्टा लेकर खुद पर ओढ़ा अरूश की तरफ बढ़ी जो पोर्च की स्टेयर्स उतर कर लोन में आ रही थी। आयत ने अपनी आंखें साफ की और अपनी कपकपाहट पर काबू पाया। उफ आयत तुम यहाँ थी और मैं तुम्हें सारी हवेली में ढूंढ रही थी, ये पकड़ो मामा का फ़ोन, लाला कब से कॉल कर रहे हैं, तुमसे कोई पर्सनल बात करनी है शायद, अरूश ने आखिरी बात उसे छेड़ते हुए कही और मुस्कुराती हुई वापस पलट गई। आयत भी फ़ोन थामती उसके पीछे भागी और लाउंज से गुजर कर स्टेयर्स चढ़ी रही थी कि लाउंज में बैठी नायला शाह ने उसे वापस बुलाया। आयत आकर उनके पास सोफे पर बैठी, ये क्या तरीका है, तुम कम से कम अपनी हालत का ही सोच लो, कितनी दफ़ा कहा है कि लड़कियाँ इस हाल में नहीं भागती, कोई भी नुकसान ही हो सकता है, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आती ना हमारी, बस सख्ती से बोली तो आयत आंसू छुपाती उठ खड़ी हुई। सॉरी मम्मा मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। आयत क्या अगर अपने रूम में आई, इसने भी फ़ोन की तरफ देखा ही था कि स्क्रीन पर नजर पड़ते उसकी जान निकली, वहाँ 6 मिनट और कुछ सेकंड हो चुके थे। काल तो अटेंड की, उसे तो लगा था कि अरूश ने काया खुद ही काल कर लो, मगर काल तो ऑलरेडी चल रही थी। आयत ने लबों पर जबान फेरते मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, वो खुद पर जबत पाती हुई बोली जबकि दूसरी जान खामोशी ही कायम थी। आयत को दिली दिल में खुशी हुई कि शायद उसने कुछ सुना नहीं था, मगर अचानक फोन में इसकी सख्त आवाज़ गूंजी, क्यों भाग रही थी तुम, उसकी तेज़ आवाज़ पर आयत ने लबों पर जबान फेरी, मैं बस जल्दी से आपसे बात करना चाह रही थी। आयत ने झूठ कड़ा, मगर सामने भी आलम शाह था, उसके लहजे से ही उसका झूठ जान गया। आयत मुझे सच बताओ क्यों भाग रही थी तुम, किसी ने कुछ कहा है क्या मेरी जान को, आलम फिक्रमंदी से बोला, पता नहीं क्यों आज उसका दिल आयत की जान से घबरा रहा था। नहीं आलम, मुझे किसी ने कुछ कहा कुछ कहना है और मैं सच्ची बोल रही हूँ, क्यों कुछ कहना है, सो रही हूँ। उसकी बात पर आलम ने गहरा सांस भरा, खुद को पुरसकून करने के बाद वो उससे मुखातिब हुआ, तबीयत कैसी है, आयत उसकी मोहब्बत पर सूदगी से मुस्कराई, बिल्कुल ठीक हूँ, आयत ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन आलम अब भी मुतमईन ना हुआ, लंच किया तुमने, अब के आयत उसके सवाल पर गड़बड़ाई थी क्योंकि आज नहीं के बाईस दोपहर में ही सो गई थी तो लंच मिस हो गया था, नहीं वो मुझे नींद आ गई थी तो लंच नहीं कर सकी, आलम अचानक भड़का था, दिमाग सेट है तुम्हारा, कितनी दफ़ा समझाया कि किसी भी टाइम खाना स्किप मत किया करो, तुम जानती भी हो तुम इतनी हेल्दी नहीं हो कि इस हालत में बगैर खाने के सर्वाइव कर सको, फिर क्यों सोई तुम। आलम को गुस्सा करते देख आयत खामोश ही रही। अब जाओ शाबाश जाकर कुछ हल्का फुल्का सा खा लो, मैं घर आ जाऊंगा थोड़ी देर में, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे, आलम खुद पर काबू पाता प्यार से बोला तो आयत फिर से मुस्कराई और उसे अल्लाह हाफिज़ बोलकर मोबाइल छत पर रखा। कुछ देर पहले का वाकया जहन में आया तो आयत का दिल भर आया, उसे याद आया कि आलम हमेशा कहता था कि उसे नहीं पसंद कोई भी आयत की तरफ देखे भी, मगर आज उसके गैर महरम ने उसे बगैर दुपट्टे के देखा था और उसे गलासत से छुआ भी था, उसकी भूखी नज़रें याद करते आयत को अपना आप ना पाक लगा। आयत भी साख्ता घुटनों में चेहरा छुपा कर फूट फूट कर रोने लगी, कैसे बर्दाश्त करती हुई ये तकलीफ किसी को बताने से भी डर लग रहा था, जबकि जरार का भी अभी हवेली से जाने का कोई इरादा नहीं था। आयत ने बामुश्किल खुद को कंट्रोल किया और अपनी हालत ठीक करती बाहर आई, क्योंकि अब उसे भूख से चक्कर आ रहे थे। अभी वो किचन के दरवाजे पर पहुंची थी कि उसका जी मतलाया, वो तेज़ी से लाउंज के पास बने वॉशरूम में भागी, पीछे वो सब उसकी हालत देखकर परेशान हुए, वो अभी वॉमिट करके बाहर आकर डाइनिंग पर बैठी ही थी कि मेन दरवाजे से आलम शाह और जरार लाउंज में दाखिल होते दिखाई दिए। आयत जरार को देखती मुँह चुभा गई, इसकी हरकत पर आलम शाह को खुशी हुई, चलो आयत ने इसकी कोई बात तो मानी थी, जबकि वहीं आयत की हरकत पर जरार को कोफत हुई थी। आलम सबको सलाम करता आयत के पास बैठा, नाइला शाह ने मुलाजमों को खाना लगाने का इशारा किया तो वह खाना लगाने लगी। आलम ने टेबल के नीचे से आयत का हाथ थाम कर सहलाना शुरू किया तो आयत ने गड़बड़ा कर सबकी तरफ देखा, मगर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा ना पाकर अपना हाथ खींचना चाहा, मगर आलम ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और अपने दाएँ हाथ से खाना खाने लगा। खाना क्यों नहीं खा रही तुम, उसे यूँ बैठा देख आलम उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, आहिस्ता आवाज़ पर बोला, आपने ही तो कहा था कि नहीं चेहरा नहीं दिखाना तो मैं कैसे खाऊँ।
और इतने लहजे में दुनिया जहाँ की मजलूमियत समोते हुए कहा। आलम ने उसके दुपट्टे का एक पल्लू उठाकर एक तरफ से चेहरे के सामने कर दिया। अब जरार उसे नहीं देख सकता था, अब खाओ, आलम ने कहा। तो आयत ने प्लेट में थोड़े से चावल निकाले, मगर उसने पहला चम्मच ही लिया था कि उसे फिर से वॉमिट हुई और वह दोबारा से वाशरूम भागी। आलम परेशानी से वाशरूम की तरफ देख रहा था। उसे डॉक्टर ने सख्ती से कहा था कि आयत खाना हरगिज़ स्किप मत करे। अगर उसने खाना स्किप किया तो उसे वॉमिट होती रहेंगी और तबीयत संभलने में भी वक्त लगेगा। आयत को मुसलसल बेसन पर झुके देख सब खाना छोड़ चुके थे। ये थोड़ी देर पहले भी वॉमिट करके आई है, अब दोबारा से फिर कर रही है। सुमन शाह ने आलम को बताया तो वो मजीद फिक्रमंद होता उसके पीछे क्या। आयत जब मुंह साफ करके वापस आ रही थी फिर से चकराई तो आलम ने उसे बाहों में बढ़ा। मैं इसे रूम में ले जा रहा हूँ, अब खाना ऊपर ही भिजवा दें, आलम ने उसे उठाते हुए कहा। तो आयत शर्माई, आलम नीचे उतारे ना, सब देख रहे हैं। आयत दोनों हाथ उसके कंधों पर रखती, चेहरा उसकी गर्दन में छुपाती हुई बोली, मगर आलम शाह उसे यूं ही लिए ऊपर आया। कुछ देर बाद वह दोनों खाना खाकर बेड की तरफ आए। आयत अब संभल गई थी, वह दोनों अपनी अपनी जगह लेट गए। तो आलम ने एसी की स्पीड कम की और लैंप ऑफ किया। फिर उसने खामोश लेटी आयत का हाथ थामकर अपनी जानिब किया। तो आयत ने उसकी तरफ देखा, आलम प्लीज, आयत रोनी सूरत बनाकर बोली, मगर आलम इस मामले में उसकी सुनता कहाँ था, अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। आलम उसके माथे पर लपकता शिद्दत से बोला। तो आयत भी खामोश होगी, दिन ब दिन आलम का जुनून उसके लिए बढ़ता ही जा रहा था। आलम उसके मजीद करीब हुआ तो आयत शर्माती हुई आंखें बंद करके आलम उसके सीने से हटा और उसके गर्दन पर गहरे सांस छोड़े, जबकि आयत उसकी सांसों की तपिश से खुद को झुलसता महसूस करने लगी। हमें ऐसा क्यों लगता है हमें पहले नावल को रीड करना चाहिए फिर उसको सेलेक्ट करना चाहिए। अल्लाह जी, ओके, सो आप ये खुद रीड कर सकते हैं। आईना मेरे सामने मुजाहमत की तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। आलम उसके कान में सरगोशी करता फिर से उस पर झुकाया। तो आयत भी खामोशी से उसकी शिद्दतें सहने लगी, लेकिन पता नहीं आलम की गुर्बत में ऐसा क्या था कि कुछ देर बाद वो भी उसकी गुर्बत के नशे में बहकती उसका साथ देने लगी थी। एक माह बाद यूं ही आयत के दिन आलम के साथ में खूबसूरती से गुजरते चले गए। अब आलम उस पर गुस्सा भी कम होने लगा था क्योंकि आयत अब उसे नाराज़ होने का मौका ही नहीं देती थी। इन दिनों में सिर्फ एक ख़ास बात हुई थी कि अरूज के लिए सुमन शाह के भतीजे का रिश्ता आया था। हदीद ना सिर्फ अच्छी सूरत का मालिक था बल्कि उसका मिजाज भी बहुत ठहरा हुआ था। आलम शाह तो इससे पहले से ही वाकिफ था, इसलिए मजीद जांच पड़ताल नहीं करनी पड़ी। अरूज से पूछा तो इसने भी जैसे आपकी मर्ज़ी कह दिया। सुमन शाह को अपनी तरबियत पर फख्र महसूस हुआ, उन्होंने सबकी रजामंदी से अपने भाई शाहनवाज को हाँ कर दी। अभी वो लोग दो दिन पहले ही मंगनी की रस्म अदा करके गए थे जबकि शादी एक साल बाद करने का फैसला हुआ था ताकि तब तक आयत की डिलीवरी भी हो जाए तो वो भी शादी ठीक से इंजॉय कर सके। हाल बता यार अभी तक वापस नहीं गया था, उसका कहना था कि वो एक दफ़ा ही सब कुछ समझ कर जाएगा ताकि वो दोबारा ना आना पड़े। इन दिनों आलम आयत के साथ ही रहा था तो जरार ने भी आयत से कोई बदतमीजी नहीं की थी। हाँ, उसकी गलीज नजरें ही थी जो आयत को बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। मंगनी की रात ही आलम शाह किसी ज़रूरी काम से 3 दिनों के लिए कराची चला गया था। तब से आयत नायला शाह के पास उनके रूम में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि सबका कहना था इस हाल में लड़कियाँ अकेले कमरे में ना रहें। आज आलम शाह की वापसी थी तो आयत सुबह से ही खुशी से झूमती फिर रही थी। आलम ने शाम तक ही पहुंचना था तो आयत असर के वक्त से ही अपने रूम में आ गई थी क्योंकि आज उसका दिल था वो आलम के लिए स्पेशल तैयार हो ताकि आलम उसकी पेशकदमी पर खुश हो। उसने अलमारी खोली ताकि कोई प्यारा सा फैंसी ड्रेस ढूंढ सके, लेकिन उसे कोई भी ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा था। आकर उसकी नज़र एक बंद पैकेट पर पड़ी जो आयत उसे बेड पर लाई। जैसे उसने वो पैकेट खोला आयत खुशी से सरशार हो गई। उस पैकेट में एक डार्क ग्रीन सिल्क की सिंपल मगर फैंसी साड़ी थी। आयत को वह पसंद आई। आयत ने जल्दी से उठकर स्टीम आयरन से साड़ी को प्रेस करके बेड पर खा रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक करती वाशरूम की तरफ फटकी। 20 मिनट बाद वो आफ्टर बाथ काउंट में बाहर निकली और शीशे के सामने आई। उसने खुद को अच्छे से जायज़ा लिया और फिर शुक्र अदा किया कि अभी वो बिल्कुल भी मोटी नहीं हुई थी। आयत मुतमईन होती बेड से साड़ी उठाकर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। आज उसने पहली दफ़ा साड़ी पहनी थी मगर वो कामयाब रही थी। वो फिर से बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के साथ सामने खड़े होते ड्रायर उठाकर अपने बाल अच्छे से ड्राई किए। अच्छा, कोई इस्लामाबाद रहता है? एक्चुअली इस्लामाबाद के बारे में किसी ने नावल लिखना है तो हम तो काफ़ी दूर रहते हैं, सब इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो अगर कोई रहता है वहाँ पर मतलब अच्छे से उन प्लेसिस का भी पता है अच्छे से तो लाजमी रबता कीजिएगा। नीचे शायद ईमेल, हाँ ये देखें ईमेल दी हुई है ये वाली, ठीक है। अगर कोई सुनने वाला सुन रहा है तो मतलब रहता है तो लाजमी इस ईमेल पर रबता कीजिएगा, ठीक है।
कि मतलब लिख दीजिएगा क्या मैं इस्लामाबाद रहती हूँ या रहता, मतलब ना जिसे अच्छे से लोकेशन वगैरह का पता हो, ठीक है, क्योंकि नावल लिखना है तो उसके रिलेटेड सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ओके आगे पढ़ते हैं। अपने बाल अच्छे से ड्राई किए, फिर नीचे से हल्के लूज कर्ल किए और दो लटे निकाल कर बाकी बाहर सॉरी बाल पीछे खुले छोड़ दिए। फिर उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी जो 7:00 आ रही थी, मतलब उसके पास तकरीबन आधा घंटा था। इतना जल्दी से लाइट सा मेकअप किया और आखिर में ऑरेंज लिपस्टिक लगा कर अपनी दाढ़ी को फाइनल टच दिया। फिर एक बारीक सी सिल्वर चेन गले में डाली और सिल्वर ही इयररिंग्स कानों में डाले। आखिर में वो 2-3 अंगूठियां पहनती, अपनी ब्लैक हील्स उठाती, सोफे पर आ बैठी, झुककर स्ट्रैप बंद किए और थकन के बाईस कमर सोफे की पुष्ट पर टका ली, जबकि दोनों हाथ पेट पर रखती मुस्कुराने लगी। आपको पता है मामा ने बाबा को खुश करने के लिए इतनी मेहनत की है, बस मेरी दुआ है कि आपके बाबा जल्दी से खुद ही रूम में आ जाए, फिर हम तीनों मिलकर बहुत इन्जॉय करेंगे। लेकिन आप तो रात को मामा को तंग करते हो ना, लगता है आपसे भी मामा की तरह बाबा का जुनून देखा नहीं जाता, तो आप भी मामा के साथ रोते हो। लेकिन आप परेशान ना हो, जब आप हमारे पास आ जाओगे ना, हम दोनों मिलकर बाबा को बहुत सारा तंग किया करेंगे। आयत मासूमियत से अपने वजूद में पलते अपने बच्चे से बातें करने लगी। कुछ देर बाद आयत को महसूस हुआ बाहर के दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। उसे लगा आलम होगा, लेकिन सिर्फ वही रूम की डुप्लीकेट की अपने पास रखता था। आयत मुस्कुरा कर उठ खड़ी हुई। अंदर दाखिल होने वाले को देखकर आयत गुस्से से आगे बढ़ी। जरार जो दरवाज़ा अंदर से लॉक करता पीछे पलटा था। आयत के होश हुसन पर नजर टिका गया, जिस वक्त बेपनाह हसीन लग रही थी। जरार भाई, ये क्या बदतमीजी है, आपको मैनर्स नहीं है, किसी के बेडरूम में यूँ दाखिल नहीं होते, और दरवाज़ा क्यों लॉक किया है आपने, अभी कभी दरवाज़ा खोलें। आए तो उसकी हवस परी नजरें खुद पर गड़े देख हिम्मत करती हुई बोली, लगता है तुम भी खुद को सजा कर मेरा इंतजार कर रही थी। जरार बेशर्मी से कहता आगे बढ़ा तो आयत वाशरूम की तरफ भागी, लेकिन इस दरिंदे ने उसका बाजू थामा, उसे खींच कर बेड पर पटका। तो आयत ने बेड से उठना चाहा, मगर वो आगे बढ़ा और उसके दोनों हाथ बांधने के बाद उसके मुंह पर भी पट्टी बांध दी, तो आयत अब चीख भी नहीं पा रही थी। वो घटिया इंसान तेज़ी से बेड पर आया। वो दिल ही दिल में अल्लाह से अपनी इज्जत महफूज रहने की दुआ करने लगी। अभी उसके पास आया ही था कि धार से दरवाज़ा खुला तो जरार तेज़ी से बैठ से उतरा। उसकी नज़र जैसे ही दरवाजे पर गई तो सामने आलम शाह सुरख चेहरे के साथ आंखें मीचे खड़ा था। गुस्से की वजह से गर्दन और बाजू की रगें तनी हुई थी। वो मुठियां जोर से बीचता जरार की तरफ बढ़ने लगा कि आयत तो। उसके भाग कर उसके सीने से आ लगी, जबकि उसके पीछे वो सब खड़े इसकी हालत देख कर परेशान हुए। वेट अ मिनट, आयत को तो उसने बांध दिया था, तो वो कैसे भागी? लॉजिकल लड़की हम नहीं, मतलब ना वो तो चीख भी नहीं पा रही थी, अभी हमने पढ़ा अभी लिखा था। आलम शाह को वेली आए 15 मिनट हो गए थे। वो सबके साथ लाउंज में बैठा था कि उसने आयत के बारे में पूछा तो नायला शाह ने उसके कमरे में होने का बताया। कुछ देर बाद जब आलम ने जरार का पूछा तो सबने कहा इन्हें नहीं मालूम था। तभी मुलाज मना कर बताया कि उसने जरार को ऊपर जाते देखा है। आलम के दिमाग में खटका हुआ, क्योंकि जरार का रूम नीचे था तो वो ऊपर क्या लेने गया था। आलम तेजी से ऊपर की जाने भागा तो फिर सब इसके पीछे हैं। आलम ने जब आयत की सिस्कियाँ सुनी तो जल्दी से डुप्लीकेट की निकाली और दरवाज़ा खोला, मगर सामने का मंजर देखकर उसका खून खोल उठा था। आयत बेतहाशा रोती हुई उसके सीने से चिपकी खड़ी थी, जबकि आलम शाह खून शाम नजरों से सामने खड़े जरार को घूरता उसकी पीठ से हिलाकर उसे पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे खामोश होते ना देख आलम ने उसे नायला शाह को थमाया तो वो उनसे लगी मजीद तेजी से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ आलम को मजीद गुस्सा दिला रही थी। वो लंबे लंबे ढक बरता जरार के पास पहुंचा और उसे कालर से घसीट कर बाहर निकाला। आलम ने सीढ़ियों के पास लाकर जोरदार धक्का दिया तो वो बलखाता नीचे लाउंज के फ्लोर पर जा गिरा। उसके माथे और नाक से खून बहने लगा, मगर आलम शाह तूफान बना खुद भी नीचे आया और उस पर घूंस और लातों की बारिश करती। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इज्जत की तरफ आँख भी उठाने की? अब जो तुम्हारे साथ मैं करूँगा ना, तुम्हारी साथ नस्लें याद रखेंगी कि दूसरों की माँ बहनों को कैसे देखा जाता है। आलम शाह उसे आखिरी लात मारता हुआ चीखा। जरार अब आदमुआ हो चुका था, मगर आलम शाह उसे बाजू से घसीट कर बाहर लाया। बाहर खड़े हरम को इशारा करके पास बुलाया, इसकी दोनों आंखें निकाल कर दरिया में बहा दो और बायां हाथ और टांग भी नकारा कर दो। आलम शाह नफरत से उसे देखता हुआ हरम को कहता वापस मुड़ा। उसने जैसे ही ऊपर वाले पोर्शन पर कदम रखा आयत की चीखें उसके कानों में पड़ी तो वहीं रुक गया। आज पहली दफ़ा आलम शाह की आंखों में आंसू आए थे। आलम ने आस्तीन से आंखें साफ की और अपने कमरे में दाखिल हुआ। सामने आयत बीजान की गोद पर सर के चीख रही थी, जबकि बीजान उस पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। समन शाह भी शर्मिंदा सी बैठ के पास खड़ी आयत को तड़पते देख रही थी और नाला शाह सोफे पर आंसू बहा रही थी, जबकि रूश इन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। आलम को आता देख आयत तकलीफ और शर्मिंदगी से आंखें बंद कर गई तो आलम भी परेशान होता बेड पर उसके पास आ बैठा। आलम ने आयत का सर बीजान की गोद से उठाकर अपने सीने से लगाया और खुद बेड क्राउन से टेक लगाई।
बस यूँ रोककर मुझे शर्मिंदा तो मत करो, आलम बेबसी से उसके बाल से हिलाता बोला, जबकि आई तभी भी उसके सीने से लगी रो रही थी। आलम उन्होंने मेरे साथ, अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती कि आलम ने उसकी बात काटी, कुछ कुछ भी नहीं किया उसने तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं, तुम अब भी इतनी पाक हो जैसे मैं तुम्हें छोड़कर गया था। आलम शाह ने मोहब्बत से उसे समझाते हुए खौफ से अलग किया। सुमन शाह तेजी से उसके पास आई, जग से पानी का गिलास भरकर आयत के लबों से लगाया तो आयत कांपते हुए पानी पीने लगी। आयत बच्चे, तुम्हें पेट या कमर में दर्द तो नहीं हो रहा? बीजा ने खदशे के तहत सवाल किया तो सबने आयत की जानिब देखा कि कमर वाकई तब से दुख रही थी जब से जरार ने इसे बेड पर धक्का दिया था और इसे अपना भागना याद आया तो बेसाख्ता उसका पेट अपने उसका हाथ छोड़िए अपने पेट पर किया। बीजान, मेरा बेबी ठीक होगा ना? वो बेबी को देखती सदमे से सॉरी बीजान को देखती सदमे से बोली तो नाइला शाह तेजी से उसके पास आई। एक तो इस नावल ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया है, कसम से हम दोबारा कभी इस राइटर का नावल नहीं पढ़ेंगे, कभी भी नहीं। इसका सीजन टू है और हमें हरगिज़ मत कहिएगा कि इसको पढ़ेगा, शायद सीजन टू में अलग स्टोरी हो या अच्छा लिखा हो या कुछ भी हो सकता है। हम पहले चेक करेंगे उसको, अगर हमें मुनासिब लगा तो हम पढ़ेंगे, वरना हम नहीं पढ़ेंगे। हमें मत बोलिएगा पढ़ने को, हम पहले बता रहे हैं हमने ये क्यों पढ़ा, ये क्यों उठाया, हम चाहल करें, हम इतना गुस्सा आ रहा है ना कल पे, साथ हंसी भी आ रही है। पहले एक दफ़ा देखना चाहिए था, हमने अभी भी वजाहत की थी अल्फाज मैटर करते हैं, लफ्ज बहुत मैटर करते हैं, आप क्या बोलते हैं आप क्या लिखते हैं लफ्ज मैटर करते हैं। अपने बात गुस्से में भी कहिए ना, अल्फाज अच्छे हो ना तो इतना ज़्यादा दुख नहीं होता, जब आप सामने हो ना तो लहजा मैटर करता है, आपके अल्फाज भूल जाते हैं तब लहजे पे गौर करते हैं, बाद में याद आता है कि हाँ उसने ये भी कहा था। खैर, बबी जान को देखते सदमे से बोली तो नाइला शाह तेज़ी से उसके पास आई। आयत बताओ तो सही, कहीं तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? नाइला शाह फिक्रमंदी से बोली तो आयत ने रोते हुए उस बात में सर हिलाया और वहीं आलम को लगा किसी ने उसकी रूह जब्त कर ली हो। कहाँ दर्द है? नाइला शाह के सवाल पर आयत रोने लगी, मामा मेरी कमर में दर्द है। आयत की बात पर सब खवातीन ने एक दूसरे को देखा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो भी आप लोग परेशान मत हो। आलम शाह ने डॉक्टर का नंबर मिलाकर उसे आने का कहा और खुद आयत के पास आकर बैठा। आयत इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा मेरी ज़िंदगी, तुम तो रोना बंद करो। आलम ने उसके आंसू साफ किए तो आयत भी इस बात में सर हिलाती खामोश हो गई। कुछ ही देर में डॉक्टर ने आकर बच्चे के ठीक होने का बताया और आयत की हालत की वजह से इसे इंजेक्शन लगाया था। जहां आयत अपने बेबी के ठीक होने का सुनकर खुश हुई थी, वहीं इंजेक्शन का सुनकर परेशान भी, मगर आलम ने ज़बरदस्ती इसे पकड़कर इंजेक्शन लगवाया तो तब आयत फिर से मुंह फुलाए बैठी थी। उसने खाना खाने से भी इनकार किया तो नायला और सुमन शाह से प्यार से समझा बुझाकर खाना खिला ही दिया था। फिर वह सब भी उसे प्यार करती अपने कमरे में सोने चली गई, जबकि सुमन शाह बेड पर उसके पास बैठी। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मुझे पता होता जरार ऐसा है तो मैं कभी उस हवेली ना रहने देती। सुमन शाह ने आयत से माफ़ी मांगी तो आयत उठकर उनके गले में बाहें डाल गई। ताई, आपका आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ आपको नहीं पता उनका भला, माएँ भी बेटियों से माफ़ी मांगती हैं। आयत एहतराम से बोली तो वो उसकी पेशानी चुमकर बाहर निकली। तभी आलम शाह सिर्फ ब्लैक ट्राउजर में वॉशरूम से शावर लेकर निकला। आयत उसे देखकर मुंह फेर गई तो वो मुस्कुराकर उसके पास आया। आयत को लगा वो इसे मनाएगा मगर वो मुस्कुराहट छुपाता, साइड टेबल से उसकी मेडिसिन निकालता, पानी का गिलास लेकर उसके सामने बैठा। आप मुझे मत मनाएं अच्छा, पहले मुझे इंजेक्शन लगवा लिया और अब मनाने पहुँच गए हैं। आयत बगैर उसे देखे बोली तो आलम ने मुस्कुरा कर उसे देखा, तुम्हें मना भी कौन रहा है आयत, मैं तो बस ये मेडिसिन दे रहा हूँ तुम्हें, अब जल्दी से ये खाओ फिर मुझे सोना भी है। आलम शाह संजीदगी से बोला जबकि आंखों में शरारत नाच रही थी। आयत जो बड़ी हवाओं में उड़ रही थी आलम की इस बात ने इसे ज़मीन पर आ पटखा। सदमे से आयत का मुँह ही खुल गया, मतलब उसकी इतनी नाकदरी। मैं भी कोई मरी नहीं जा रही आपसे बात करने के लिए, और आप ये मेडिसिन देने वाला भी एहसान मत करें मुझ पर, मैं खुद ले सकती हूँ। आयत गुस्से से बोली तो आलम ने उसे संजीदगी से घूर कर देखा, जानता था उसका घूरना ही आयत के लिए काफ़ी हो गया और हुआ भी यही था। आयत ने खामोशी से उसके हाथ से मेडिसिन लेकर मुंह में रखी, फिर पानी पीकर गिलास आयत पर रखा। तुम मेरी नहीं सॉरी मरी नहीं जा रही मुझसे बात करने के लिए ना, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूँ जो तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा है। आलम बेड पर आकर एक तरफ लेटता हुआ बोला तो आयत भी उसके पास खिसक आई। आपको पता है मैं स्पेशल आपके लिए तैयार हुई थी आज, लेकिन सब खराब हो गया। आयत दुख से बोली तो आलम ने उसे खुद में पीस लिया। कुछ नहीं होता मेरी जान, वैसे ही इतनी खूबसूरत लगती है मुझे, तैयार ना भी हो ये बंदा फिर भी आप पर फिदा है। आलम प्यार से कहता उसकी कमर से हिलाने लगा तो आयत की कुछ ही देर में नींद आ गई। आलम भी उसकी पेशानी पर लब रखता आंखें मूंद गया। 8 माह बाद आलम ऑफिस से अभी वापस आया था, वो भी कमरे में दाखिल हुआ ही था, किसी ने हमारा अच्छा सुना कि हमने बहुत आहिस्ता कहा था लेकिन इतना नहीं, हम मंथ कलेक्ट कर रहे थे।
वह भी कमरे में दाखिल हुआ ही था कि आयत बेड पर लेटी रहती थी। आलम उसे रोता देख परेशान हुआ क्योंकि काफ़ी महीनों से उसने आयत को बिल्कुल नहीं रोने दिया था। अब उसे यूं रोता देख आलम जल्दी से उसके पास गया। ओके, तो एक पुरानी रीडर आपको याद होगी जो रीड करती थी नावल को, सारा अरूज, वो फिर से वापस आ रही हैं। मतलब उनका वीक में एक नावल आया करेगा जो रीड करेंगी, ठीक है? तो अगर आप लोग सुनना चाहें तो लास्ट में ही सुन ले, हमारी दोस्त वापस आ गई है। आगे बढ़ते हैं। खैर, हमने नावल रीडिंग के लिए बोला था, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ईमेल नीचे दी गई है इस वीडियो के नीचे, ये देखें, तो आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है? क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? और हाँ, वही लोग रब्ता करें जिनके पास वक्त होता है, जो वक्त पे अपना काम कर सके, दे सके, ठीक है? वरना ओनर हमें फिर बोलती हैं कि हम मतलब कहते हैं फिर वो वक्त पे काम नहीं देते तो हमें सर खपाई करनी पड़ती है। आलम उसके भरे भरे वजूद को देखता बोला था, इस पर टूट कर निखार आया था। वो इस वक्त रोती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि आलम शाह का दिल किया कि वक्त यहीं थम जाए। आलम बीजान ने मामा से कहा कि उन्हें लग रहा है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो हम नॉर्मली कराएं, लेकिन आपको पता है ना मुझे डर लगता है। वो रोते हुए उसे बीजान की बात बताती हुई बोली तो आलम शाह ने बेबसी से उसे देखा। उसने बीजान को कहा भी था कि वायद से बात मत करे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। तो इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम चलो मेरे साथ, हम अभी बीजान को कह देते हैं कि वो तुम्हें ये बात मत कहा करें। आलम उसे मोहब्बत पास नज़रों से देखता बोला था, आयद का लास्ट मंथ चल रहा था, अल्ट्रासाउंड के बाद इन्हें मालूम हुआ था कि अल्लाह इन्हें बेटे से नवाज रहा था। वैसे ये लीगल है ना, उन दोनों ने बेबी के लिए कई सारी शॉपिंग भी कर ली थी। चूँकि अब आयद के आखिरी दिन चल रहे थे तो बीजान का कहना था कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, जबकि बाकी सब चाहते थे कि ऑपरेशन के जरिए हो। आलम ने आयत का हाथ पकड़कर उसे उठाया और आहिस्ता आहिस्तगी से नीचे उतरे। सब लाउंज में ही बैठी थी, इन्हें आते देख मुस्कुराए तो वो दोनों भी एक सोफे पर बैठ गए। बीजान, आयत को क्या कहा आपने, कब से रोई जा रही है? आलम ने बात शुरू की तो बीजान उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। यही कहा है मैंने जो तुमने सुना है, बीजान ने सख्ती से कहा। तो आयत फिर से दुखी हुई। बीजान, आजकल की बच्चियाँ कहाँ बर्दाश्त कर सकती हैं, समन शाबी ने समझाती हुई बोली, मगर बीजान ने किसी को भी संजीदा नहीं लिया। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। बीजान प्लीज, इसकी बात पर बीजान ने अफसोस से उसे देखा। ओके, आलम की बात पर बीजान ने उसे घूरा था, वो खामोश हो गई, फिर सब बातों में लग गया, मगर आयत बेचारी इसी टेंशन में रही थी। आलम जो गहरी नींद में सोया हुआ था, आयत की आवाज सुनकर जल्दी से उठा। मुझे हॉस्पिटल ले जाएं आलम, मुझे दर्द हो रहा है, वो भूली सांसों के दरमियान बामुश्किल बोली। तो आलम ने पहले सुमन शाह और नायला शाह को फ़ोन करके बाहर निकलने को कहा था, फिर आयत को बाहों में भरता वो नीचे आया। दर्द की वजह से आयत की चीखें रूज पटी। आलम की तो अपनी हालत ख़राब हो रही थी, इसे यूँ चीखता देखता भी बीजान जिनका कमरा नीचे ही था बाहर निकली। बीजान की बात पर आयत ने इस हालत में भी आलम की गोद में नफ़े में सर हिलाया तो आलम बेबसी से उसे ज़बरदस्ती बीजान के रूम के में ले आया। सुमन शाह तो हबीबा को लेने गई थी। ओके, हम कोई और बात करते हैं, मतलब ठीक है आप लोग नावल लिखते हैं लेकिन इतनी वजाहत भी नहीं देनी चाहिए। हम शीशे के सामने खड़े होकर कह रहे हैं क्यों पढ़ा हमने ये नावल, क्यों? ताकि हम गुस्सा ना कर सके अपने आप पर। जब आपको गुस्सा आता है ना तो ये कोशिश किया करें कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाए, फिर आप क्यों ना हंसी आने लगेगी, अपनी शक्ल देख के नहीं वैसे ही, क्योंकि आप गुस्से में अच्छे नहीं लग रहे होते हैं ना इस वजह से। तो आप लोग खुद ही रीड कर लीजिए। जहाँ से रीड करने वाला हुआ हम वहाँ से रीड कर लेंगे। आयत, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान मुझे इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए, आलम ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। तो आयत ने बामुश्किल आंखें खोल कर इसे देखा, फिर धीमा सा मुस्कुराई। बहुत, आपको हमारा बेबी कैसा लगा? बहुत प्यारा, मगर मेरी बीवी से थोड़ा सा कम। आलम की बात पर आयत सुकून से आंखें मूंद गई। आलम उठकर दोनों बाजू बेड पर आयत के गिर्द रखता, उस पर झुका और शिद्दत से उसके दोनों गाल चूमकर अभी पीछे हुआ था कि रूश भागती हूँ आई और आयत से चिपकी। आयत, यार इतना क्यूट भतीजा दिया है तुमने मुझे, मेरा तो दिल करता है उसे खा जाऊँ। अरूश की बात पर आलम मुस्कुराता हुआ सोफे पर बैठा, जबकि आयत के लबों पर शर्मिली से मुस्कुराहट फैल गई। तुमने बेबी देखा? अरूश के सवाल पर आयत ने नफे में सर हिलाया। तभी रूम में सुमन शाह और नायला शाह दाखिल हुई। नायला शाह ने बच्चे को अपनी गोद में ले रखा था, उन्होंने आगे आकर बेबी आयत की गोद में रखा तो आयत ने उसकी तरफ देखा। वो छोटा सा गुलाबी रंग का फूल जैसा बेबी आयत को बहुत प्यारा लगा। मोहब्बत और ममता के एहसास से उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आयत उस पर झुकती दीवाना वार से चूमने लगी, वो भी माँ का प्यार पता खुशी से हाथ पाँव मारने लगा तो सब मुस्कुराती है। कोई नाम सोचा है तुमने?
बीजान के सवाल पर आलम ने इस बात में सर हिलाया। कभी कभी ऐसा नहीं होता जैसे लग रहा हो कि कोई सीन या कोई भी चीज़ जो हमारे साथ हो रही है वो हमने पहले भी मतलब हो चुकी है? हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, जैसा कि ये वाला सीन, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने पहले पढ़ा हो कहीं पे। बीजान के सवाल पर आलम ने इस बात पर सर हिलाया। मेरे बेटे का नाम शावीर आलम शाह है। आलम बेबी की तरफ देखता हुआ बोला, सबको इसका नाम बहुत पसंद आया था, बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह, अल्लाह लंबी उम्र करे मेरे बच्चे की। सुमन शाह ने इसे दुआ दी। आए तब मुस्कुराते हुए शावीर को सीने से लगाए बैठी थी, जबकि अरूश उसके पास जुटकर बैठी शावीर के नन्हे नन्हे हाथ चूम रही थी। अब वो सब शावीर को प्यार करने में लगी थी, जबकि आलम बैठा फुर्सत से आयत को नहा रहा था। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे, मगर वो सब अपनी खुशी में वक्त भुला चुके थे। आखिर 4 बजे बीजान के कहने पर आलम शाह आयत को उठाकर रूम में लाया और फिर दोबारा नीचे का लाकर शावीर को भी ऊपर लाया, तो आयत उसकी जिम्मेदारी बढ़ने पर मुस्करा दी। आलम ने शावीर आयत को पकड़ाया और खुद वाशरूम की तरफ बढ़ा। जब वो फ्रेश होकर बाहर निकला, सिर्फ ब्लैक ट्राउजर में वापस आया, तो आयत भी अभी भी बैठी से प्यार करने में मसरूफ थी। आलम ने पास आकर शावीर को उसकी गोद से लिया, तो वो जो अपनी मम्मा की गोद में आराम से पड़ा था, आलम के पास आते ही उसने बिल्कुल आयत की तरह होंठ बाहर निकाले, तो आयत ने जल्दी से उसे आलम से लेकर उसके होंठों को चूमा। आलम जो भी सदमे में बैठा था आयत की हरकत पर उसे घूरा। आयत डोंट डू दिस अदरवाइज आई विल टेक हिम बैक, आलम ने भड़क कर कहा, तो आयत ने मुस्कुराहट छुपाई। आलम उसे मुस्कुराहट छुपाते देख गुस्से से अपनी साइड लेटा लाइट ऑफ कर गया। तभी शावीर के रोने की हल्की फुल्की आवाज़ पर आलम ने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की। आयत ने उसे खुद से लगाया और उसका सर थपकने लगी। कुछ ही देर बाद वो सो गया, तो आयत ने इसे दरमियान में लटाया और खुद एक साइड पर लेट गई। ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? मगर आलम ने सोए हुए शावीर को उठाकर अपने सीने पर लटाया और एक बाजू आयत के सर के नीचे रखा। आयत भी खामोशी से इसे आंखें मूंद गई। अभी इन्हें सोए कुछ वक्त ही हुआ था कि शावीर के रोने की आवाज़ पर दोनों उठ गए। आयत ने इसे उठाकर सीने से लगाया, लेकिन इसे चुप होते ना देखकर आयत भी रोने ही वाली हो गई थी। आलम देखे ना, प्लीज़ मुझसे नहीं हो रहा, ये रोए जा रहा है, आयत ने बेबसी से आलम का बाजू हिलाते कहा था। वो भी उठा। आलम ने आयत के घुटनों के नीचे तकिया सेट किया। आयत उसे चुप करवाती रही, फिर थोड़ी देर बाद वो सो गया। सुबह आलम उठा तो वो दोनों सो रहे थे। आलम मोहब्बत से दोनों को देखा और बारी बारी दोनों की पेशानी चूमकर पीछे हुआ। आयत के चेहरे से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कुछ देर पहले ही सोई थी। आलम उसके आराम का ख्याल करते बगैर किसी शोर के उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। अभी वो बाहर निकल ही रहा था कि उसकी नज़र शावीर पर बड़ी, जो आंखें खोले छत की तरफ देख रहा था, जबकि हाथों और पैरों की एक्सरसाइज जारी थी। आलम मोहब्बत से मुस्कुराता उसके पास आया और उसे उठाकर कमरे से बाहर निकला, ताकि आयत कुछ देर आराम कर सके। वो नीचे आया तो सिर्फ नाइला शाह रूशी किचन में मसरूफ थी। आलम की गोद में शावीर को देखकर दोनों मुस्कुराकर बाहर आई। उठ गए तुम दोनों, नायला शाह ने आलम को कहा, जबकि रूश ने जल्दी से शाविर को अपनी गोद में लिया। जी चाची हम उठ गए हैं, आयत को इसने जगाए रखा था तो वो अब सोई है। मैं नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलूंगा, आप भी शाविर को आयत के पास मत जाने दीजिएगा, थोड़ी देर आराम कर ले वो, आलम कहता हुआ बीजान के कमरे में चला गया। नायला शाह भी मुलाजमों को नाश्ते का कहते रूश के पास आ बैठी और शाविर को प्यार करने लगी। ओके जी, शायद ये डॉली, हाँ जी शुक्र है, ये लास्ट वाली एपिसोड है। 4 साल बाद आज हवेली में रूश और हदीद की दावत रखी गई थी, तो आयत सुबह से मुलाजमों के साथ रही हुई थी। आलम तो अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। आयत की 3 आफ्तों को नायला शाह और समन शाह लॉन में ले गई थी, क्योंकि वो आयत को कोई काम नहीं करने दे रही थी। इस अरसे में आयत ने शावीर के 1 साल बाद अरशमान को जन्म दिया, जब 3 साल का हुआ था, और उसके बाद अल्लाह ने हरीम की सूरत में अपनी रहमत से नवाजा था, जब 1 साल की हो चुकी थी। आलम को शावीर और हरीम से ज़्यादा मोहब्बत थी, जबकि आयत को अरशमान से। 2 साल पहले ही बीजान का इंतकाल हो चुका था, लेकिन अब वो सब अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आए थे, क्योंकि मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता ना। अब आयत 5 माह से दोबारा प्रेगनेंट थी। उसकी पिछली 3 डिलीवरीज भी ही नॉर्मल हुई थी। अरूश की शादी को भी 3.5 साल हो चुके थे, वो भी अपने घर में खुश थी। उसका 1.5 साल बेटा था हसन और 1.5 साल बेटी मिरहा। अभी आयत खीर के लिए पिस्ता बादाम कट कर रही थी कि शावीर किचन में आया और उसकी टांगों से लिपटा। मम मुझे न्यू भाई ला दें, मुझे अरशमान साथ नहीं खेलना, शावीर की बात पर आयत घुटनों के बल नीचे बैठे और उसकी गाल चूमी। क्या कहा है माँ ने मेरे प्यारे से बेबी को, आयत मोहब्बत से बोली। हालांकि वो जानती थी कि शावीर हमेशा खुद ही उससे लड़ाई करता है, और जब वो बेचारा रोने लगे तो ये खुद आयत या आलम के पास शिकायत लेकर पहुंच जाता था। अभी शावीर को झूठ गढ़ता कि किचन में आलम शाह दाखिल हुआ। शावीर आयत को छोड़ता इसकी तरफ भागा, तो आलम ने उसे बाहों में उठाया और उसकी पेशानी चूमी। आलम शाह
सॉरी आलम वाहिद को रूम में आने का इशारा करते खुद बाहर निकल गया तो वो भी मुलाजमों के जिम्मे काम लगाती हुई उसके पीछे आई। आयत रूम में दाखिल हुई तो आलम जूतों समेत बेड पर उल्टा लेटा था और शाहवीर आलम के नीचे पड़ा उसके गुदगुदाने पर हंस हंस कर दोहरा हो रहा था। आयत ने आकर पानी का गिलास भरा और आलम की साइड टेबल पर रखा। आलम शाहवीर को साइड पर करता साइड हुआ हो लेटा और मोहब्बत से आयत को देखने लगा जबकि शाहवीर खुद की इग्नोर करने पर गुस्से से आयत को देख रहा था। इसे बचपन से ही आलम का प्यार शेयर करना पसंद नहीं था। आयत ने रूम फ्रिज से शाहवीर का फीडर उठाकर उसके मुंह से लगाया और आलम के पास आकर उसके जूते उतार कर नीचे रखे। अभी वो शावर लेने जाती कि आलम ने उसे खींच कर खुद पर गिराया। इसकी सिल्की जुल्फें आलम के चेहरे पर गिरी खटा की तरह छा गई तो आलम आंखें बंद करके इनकी खुशबू खुद में उतारने लगा। फिर आलम ने अचानक आयत को नीचे किया और खुद ऊपर आया। उसने आयत के गर्दन में चेहरा छुपाया लंबी सांस ली फिर उसके गर्दन को दांतों से हल्का सा काट कर दीवाना वार उसके चेहरे पर अपनी शिद्दतें दिखाने लगा। तभी शाहवीर ने गुस्से से उठकर आयत के बाल अपने हाथों में पकड़कर खींचे तो आयत तकलीफ से चीख उठी। शाहवीर नाराजगी से बोला, अभी क्या बोला है हमें समझ नहीं आता भाई। हाँ सीधी बात है, हमें ऐसे लैंग्वेज की वही समझ आती है, हमें नहीं आ रही। आलम ने उसके हाथों से आयत के बाल छुड़वाए। हमें ऐसा लगता है हम दुनिया की सारी जुबानें सीख लेंगे लेकिन ये एक जुबान नहीं सीख सकते। आलम मैं बता रही हूँ आपको, अगर इसकी ही हरकतें नहीं तो मार खाएगा ये मुझसे, आयत ने गुस्से से कहा जबकि आलम ने शाहवीर को प्यार किया था वो भी खुश होता उसकी गोद में चढ़ गया। हरीम कहाँ है? आलम के सवाल पर आयत को अफसोस हुआ। वह नीचे लॉन में है मामा और ताई के साथ, कभी अरशमान के लिए भी पूछ लिया करो, वो भी आपका ही बेटा है। आलम अगर किसी एक बच्चे से नाइंसाफी की जाए तो बच्चे के जहन पर गहरा असर पड़ता है। बेशक मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन जब भी वो आपको इन दोनों के साथ देखता है तो वो उदास हो जाता है। प्लीज़ आलम ह्यूमर किया करें। आयत ने संजीदगी से आलम को समझाया तो उसे भी एहसास हुआ वो वाकई अरशमान से नाइंसाफी कर जाता था। तो कपड़े दो निकाल लो मेरे, मैं शावर लेकर नीचे जाता हूँ। आलम की बात पर आयत ने उसके कपड़े निकाल कर उसे दिए और खुद शाहवीर को तैयार करने लगी थी। अरूश अपने बच्चों और शोहर के साथ हवेली पहुँच गई थी। वह सब अभी खाना खाकर फारिग हुए तो आलम और हदीद को बातें करता देख आए तो अरूश बाहर लॉन में आ गई जहाँ मिनाल और हरीम घास पर बैठी अपने टॉय से खेल रही थी और बाकी दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। वो क्या कहते हैं, मेरा नाम नहीं था हरीम की ये सच सॉरी सचा पंजाबी बोलने लगे थे ये इसकी बेटी का क्या नाम था उसका अरूश, उसकी बेटी का मेरा नहीं था बनाल हो गया। वो भी कुर्सियाँ संभाल के आज मौसम बहुत प्यारा था, आसमान गहरे बादलों से ढका हुआ था, वो हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। वो दोनों बातों में मसरूफ होगी तभी अरशमान के रोने की आवाज़ आई तो वो दोनों इसके पास भागे। वो शायद खेलते हुए गिर गया था और पत्थर सर में लगने की वजह से इसका सर फट चुका था। उसके सर से तेजी से खून बहते देखा इतने अपना दुपट्टा उतार के उसके सर पर बांधा। रूश अंदर से आलम को बुलाए लाई तो आलम ने तेजी से आकर अरशमान को अपनी गोद में उठाया जो बेहोश हो चुका था। आलम उसे लेकर गाड़ी में आया तो आयत भी जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठी। आलम ने अरशमान उसको उसकी गोद में डाला और खुद कार स्टार्ट की। अरूश ने आयत को अपना दुपट्टा पकड़ाया तो आलम ने उसके गिर लपेटा क्योंकि उसके हाथों में अरशमान था। आलम ने तेजी से गाड़ी हवेली से निकाली। आयत अरशमान का चेहरा थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करी थी। आलम ने उसे वाटर बॉटल उठा कर दी। आयत ने चंद कतरे अरशमान के चेहरे पर छिड़के तो उसने आहिस्ता से आंखें खोलकर आयत को देखा। मम्मा, उसके आवाज़ पर आयत उसके चेहरे पर झुकी, उसका चेहरा मोहब्बत से चूमने लगी। जी मम्मा की जान, आयत ने लाड से कहते इसे अपने कंधे से लगाया तो अरशमान भी उसके गले में बाहें डालकर आंखें बंद कर गया। आलम ने गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रोकी। अब कोई हमसे अहमक हो सकता है, भला गाँव भी हॉस्पिटल के बाहर रोका जा सकता है। अफला और आयत की तरफ आकर अरशमान को अपनी गोद में लिया तो आयत भी दुपट्टे से चेहरा कवर करके बाहर रही। अब वो लोग डॉक्टर के कमरे में मौजूद थे। डॉक्टर कब से अरशमान के सर पर स्टिचेस लगाना चाह रहा था लेकिन आयत की तरह उसकी भी जिद थी कि उसे कुछ नहीं करवाना। आखिर आलम ने उसे ना मानते देख जबरदस्ती उसे बेड पर लटाया और एक साथ उसके दोनों हाथ और दूसरे हाथ उसकी टांगें सख्ती से पकड़ी। वो रोई जा रहा था लेकिन आलम ने डॉक्टर को इशारा किया तो वो आगे बढ़कर अपना काम करने लगी। आयत से अरशमान की हालत देखी नहीं जा रही तो वो आंखों में आंसू लिए रुख मोड़ कर बैठ गई। डॉक्टर ने पट्टी कर दी तो आलम ने उसे उठाया और डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आयत को लेता बाहर आ गया। वो लोग हवेली पहुंचे तो सब परेशानी से उनका इंतजार कर रहे थे। वो अंदर आए तो सुमन शाह ने जल्दी से अरशमान को आलम से लिया, सब उसे प्यार कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद आलम उसे कमरे में लाया, उसे मेडिसिन दी, फिर आयत ने उसे अपनी गोद में सुलाया। जब वो गहरी नींद में सो गया तो आयत उसे बेड पर लटाकर उठ खड़ी हुई। आलम भी थक चुका था तो वो भी सो गया जबकि आयत लाइट ऑफ करते दरवाजा बंद करके बाहर आ गई थी। रात को आयत रूम में आई तो आलम संजीदा सा सोफे पर लैपटॉप में मगन बैठा था, आयत भी उसके पास बैठी। आलम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा फिर दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। कुछ कहना है? आलम के सवाल पर आयत ने धीरे से बात में सर हिलाया और उनकी गुफ्तगू आप खुद ही पढ़ लें।
इसके बाद हमें ब्लडी लव का पार्ट फोर पढ़ना है। हम जब भी कोई नावल कहते हैं ना, स्टार्ट लेते हैं पार्ट में कि हम उसको थ्रोस देंगे, तब भी कोई ना कोई मुसीबत हमारे सर पे आ जाती है। हम तो जेठालाल बन चुके हैं, मुसीबत हमारा पीछे ही नहीं छोड़ती, हमारे ऊपर ही आके गिरती है। बस कुछ ना कुछ हो जाता है, रीडर्स खामो खा नाराज़ हो जाते हैं, सारा कुछ ख़राब हो जाता है हमारा, तो सारा कुछ ख़राब हो जाता है, हमें वो टेंशन अलग पड़ी होती है, रीडर भी नाराज़ हो जाते हैं, वो टेंशन अलग होती है। खैर किधर क्या, एक किस कर दो फिर जो तुम कहोगी वही होगा। आलम की बात पर आयत ने नफ़ी में सर लाया तो आलम ने बैट की तरफ देख कर मायने के से इशारा किया तो आयत शर्मा दी। करियो यहाँ, आलम की बात अभी बीच में ही थी कि आयत ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और आहिस्ता से चेहरा उसके करीब किया। आयत ने नरमी से उसके लबों पर एक बोसा दिया। गेट इधर, एक किधर गया, शाहवीर की आवाज़ पर वो दोनों नॉर्मल हुए। वो भी भागकर आलम के पास आया और आयत के दुपट्टे से आलम के होंठ साफ करने लगा। आयत ने कोफा से उसकी हरकत देखी जो आलम के होंठों से आयत कलीम उस मिटाना चाह रहा था। मामा यू आर सिटिंग एट माई प्लेस, शाहवीर की बात पर आयत गुस्से से उठकर सोफे पर बैठी तो शाहवीर खुश होता आलम की गोद में चढ़ा। मैं बात बेटे, ये लैंग्वेज हमसे नहीं बोली जाएगी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एक तो बच्चों की लैंग्वेज इतनी टफ क्यों होती है। शावर की बात पर आयत ने आलम को घूरा था। वीर माय प्रिंस, मामा इधर सोएंगी तभी आपको प्यारे प्यारे सिबलिंग्स मिलेंगे। आलम ने इसे लालच दिया जबकि आयत शर्म से सुरख हुई। बाबा बट मुझे मां जैसे सिबलिंग नहीं चाहिए। उसकी बात पर आयत तपी। शाविर उठो, नानों के रूम में जाओ और सो जाओ जाकर, आयत सख्ती से बोली तो आलम ने हैरानगी से उसे देखा। जो भी था, इतने कभी बच्चों से यूँ बात नहीं की थी। आप नानों पास सो जाएं, मैं बाबा के पास सो जाऊंगा। शाविर की बात पर आयत ने उसे उठाया और नीचे खड़ा किया। चले जाएं अब, बस बहुत लाड गली है आपने बाबा से, आयत सख्ती से उसे आंखें दिखाती बोली। वो चीखा तो आयत का हाथ बेसाख्ता उठा था। अभी वो शाविर को लगता कि रास्ते में ही सख्ती से आलम ने थाम लिया। आयत ने आलम की तरफ देखा जो आंखों में शदीद गुस्सा लिए उसे देख रहा था। शाविर नानों के पास जाएं आप, आलम रोब से बोला तो शाविर दरवाज़ा बंद करके बाहर भाग गया। दिमाग दुरुस्त मारा, फजूल में क्यों पैनिक हो रही हो तुम, आलम ने गुस्से से उसे करीब खींच कर कहा तो आयत खौफजदा हुई। आप देख नहीं रहे, वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था। आयत की बात पर आलम ने उसे देखा, बदतमीजी वो नहीं तुम कर रही थी, आराम से भी समझा सकती थी तुम। मैंने मना किया हुआ है ना कि बच्चों पर सख्ती मत किया करो। आलम की बात पर आयत खुद को इससे अलग करती बेड पर आई और लाइट ऑफ करके अपनी साइड लेट गई। आलम भी उसके पास आकर लेटा और उसे बाहों में भरा। आयत मेरी जिंदगी, बच्चों को यूँ नहीं डांटते यार, और मैं शाविर को समझाऊंगा, वो तुमसे बदतमीजी नहीं किया करेगा, आलम ने उसकी नाक चूम के कहा तो आयत को भी एहसास हुआ कि वह यूँ ही गुस्सा हो रही थी। आलम आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद में गुम होता जा रहा था और आलम की मोहब्बत भरी सरगोशियाँ वहाँ घूस रही थी। खत्म शुद, फाइनल मुक गया। ये पहला नावल है जो इतना शोर था लेकिन फिर भी इसके ख़त्म होने की हम दुआएं मांग रहे थे। ये मतलब कब ख़त्म हो, कब ख़त्म हो। हम अगली दफ़ा इस राइटर का कोई नावल ही पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लेकिन मतलब ना देख के पढ़ेंगे, लेकिन हमारा ज़्यादा मन यही है कि हम ना ही पढ़ें। हमने बहुत से रोमांटिक नावल पढ़े हैं, वही बात में रोमांटिक लिखती हैं, कभी मोस्ट रोमांटिक पे चली जाती हैं, और हमने और किसी राइटर का नहीं पढ़ा सुनी रोमांटिक, मतलब और भी रोमांटिक नावल पढ़े हैं पर हमें याद नहीं है, मतलब काफ़ी थे अब तो हमें भूल गए हैं, लेकिन तलफ़ मायने रखता है, उनके तलफ़ अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे वर्ड यूज़ करती हैं तो ऐसे फील नहीं होता, बट इसमें अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं थे। अगर हम इसको रेट करें तो हम इसको बहुत कम रेटिंग देना चाहेंगे, बट हम मतलब हमें अच्छा नहीं लगा इतना ज़्यादा, हमें नहीं लगा कि ये वर्थ है, लेकिन अब आपको कैसा लगा लास्ट में बताइएगा। और हमारी मतलब हर इंसान की अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी सोच होती है, हर इंसान अलग अलग चीज़ पढ़ना पसंद करता है, हर का अपना अपना मतलब टेस्ट होता है, बट हमें नावल पसंद है रोमांटिक को, ठीक है हम पढ़ लेते हैं, मोस्ट रोमांटिक भी तकरीबन पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जहाँ पे अल्फाज ठीक ना हो हम वो नहीं पढ़ सकते, हमसे वो पढ़े नहीं जाते। और आपने हमने आपसे पहले ही कहा था हम नावल को रीड करके फिर आपके लिए री रीड नहीं करते हम, क्योंकि फिर वो हमसे नावल रीड ही नहीं होता, हम उसे उस जो से रीड नहीं कर सकते फिर, क्योंकि हमने वो पहले पढ़ लिया होता है तो हमारा दिल नहीं करता कि हम उसे वापस पढ़ें, वापस रिपीट करें, ठीक है।
कुछ राइटर हैं जो बहुत बहुत अच्छा लगती हैं, फिकी जैसे कि मैंने उस टाइम कहा था। खैर आप लोगों को नावल कैसा लगा लास्ट में बताइएगा, हमें इसमें कोई मोरल भी नहीं नजर आया, हालांकि हमने कहा था कि आपको जैसी मर्जी रोमांटिक स्टोरी है लेकिन मोरल लास्ट में ढूंढ लिया करें। हमें जस्ट इसमें एक हल्का सा मोरल वो नज़र आया था ना महरम वाला, बस हल्का सा, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं हुआ था। तो आप लोग बताइएगा, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं और हम इसके बाद ब्लड डार्क लव सागा का करने लगे हैं पार्ट 4 रिकॉर्ड, तो टेंशन मत लीजिएगा वो भी जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें कि मुसीबत हम तक ना आए, हम ना उस तक जाएं ना वो हम तक जाएं। जब हमारा मुसीबत से कोई लेना देना ही नहीं है तो वो क्यों हमारे तक आती है, हमने तो कभी उसे बुलाया नहीं है, ऐवें ही आ जाती है। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, खुदा हाफिज़। प्यारे प्यारे रीडर्स, खूबसूरत लोगों,